And two, and we are almost ready. Sam, go. श्री राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के हमारे दिशा साथी के सेशन में। साथी प्लेसमेंट टीम का एक नया कदम है अपने विरोहन छात्रों के साथ हर महीने नियमित रूप से जुड़ने के लिए। दिशा साथी के माध्यम से हम अलग अलग पहलू पे अपने छात्रों को जानकारी देते हैं, वह जानकारी जो उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं श्री राजेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो आज अपने विचार और अनुभव को बांटने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। श्री राजेंद्र जी कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल गाजियाबाद में एचआर हेड का रोल निभा रहे हैं। वे पिछले 15 सालों से एचआर के क्षेत्र से ही जुड़े हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्र जैसे कि रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री में भी एचआर के रोल निभाए हैं। हॉस्पिटल एचआर क्षेत्र में वे पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपना वर्तमान पद पर वे टैलेंट एक्विजिशन, कॉम्पेंसेशन प्लानिंग, कंप्लायंसेस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जैसे रोल्स निभा रहे हैं। श्री राजेंद्र जी ने अपनी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से करी है और मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। राजेंद्र जी के 2 बच्चे हैं और अपने खाली वक्त में उनको बहुत पसंद है लंबी ड्राइव्स पे जाना। श्री राजेंद्र जी का कहना है कि एचआर का रोल बहुत दिलचस्प है और चुनौतीपूर्ण। उनका जो काम के प्रति जुनून है उसकी वजह से वे रोज सुबह एक नए जोश से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वही उनका सीक्रेट है। राजेंद्र जी आपका फिर बहुत बहुत आभार, आपने हमारा ये सेशन ज्वाइन करा। मैं आपको ये बताना चाहूंगी आज हमारे साथ करीब विरोहन के जितने छात्र हैं जो हमारे करंटली पढ़ाई कर रहे हैं और जो इंटर्नशिप पे लगे हैं, सब हमारे साथ इस सेशन पे जुड़े हुए हैं। सर आपको मैं शुरू में यह पूछना चाहूंगी, एज एन एचआर पर्सन आप क्या कहते हैं या आपका क्या जिसे कहते हैं अनुभव है जो आप हमारे छात्रों के साथ एचआर पर्सपेक्टिव से शेयर करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले सामीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जरा नवाजी जो आपने बख्शी है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबका स्वागत है, विरोहन के जितने भी छात्र हैं उन सभी का स्वागत है। ऑल आर वेलकम टू दिस टॉक। और जैसे कि आपने मेरी जो इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी दे दी है, फिर भी स्टिल इट इज माय ऑब्लिगेशन टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मेरा नाम राजेंद्र है और मैं इस एचआर के क्षेत्र में लगभग 15 साल से हूँ, जबकि मेरा करियर जो है ऑलमोस्ट 20 साल से मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपना करियर जो शुरू किया था वो एज ए कस्टमर केयर शुरू किया था, जो अराउंड 2000 में शुरू हुआ था। 5 साल तक मैंने कस्टमर केयर में काम किया, फिर उसको छोड़ करके एक एचआर की प्रोफेशनल डिग्री ली, मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। उसके बाद मुझे एक ब्रेक मिला डीएलएफ में, जहां डीएलएफ में मैंने 2 साल काम करा। उसके बाद आई हैव बीन टू होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री से मतलब एक जो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से होटल इंडस्ट्री में आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जहां आप एक लेबर के साथ डील कर रहे हैं उसके बाद एक होटल इंडस्ट्री, वो भी 5-star होटल में आपको एक बिल्कुल ही स्किल्ड मैन पावर और बहुत ही वाइट कॉलर जॉब जो है लोगों के साथ आपका पाला पड़ता है। फिर उसके बाद वहां 7.5 साल काम करने के बाद अपने हॉस्पिटल्स के साथ हूँ, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल गाजियाबाद में मैं हेड एचआर कर रहा हूँ। तो ये भी एक अपने आप में एक बड़ा एक हसीन अनुभव है कि होटल्स और हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं अगर आप देखें, लेकिन जो एक बहुत मेजर फर्क जो नजर आता है वो है कि हॉस्पिटल के जो आपका जो लोग कर्मचारी हैं जो वहाँ काम करते हैं उनके अंदर एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी होना जरूरी है, जो है एम्पथी। एम्पथी इज वेरी मच रिक्वायर्ड व्हेन यू आर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल। सर अगर आप इसको हिंदी में थोड़ा सा अनुवाद कर दें, एम्पथी को अगर आप 2 शब्द होते हैं अंग्रेजी के, सिंपथी और एम्पथी। सिंपथी होता है सहानुभूति,
एम्पथी होता है, आप किसी के, अगर मैं इसको एक हमारी कहावत है, किसी के जूते में पैर डाल करके अनुभव बिल्कुल करना कि वो किस चीज से गुजर रहा है। तो गुजर रहा है एम्पथी उसको कहते हैं कि एक, अगर आप एग्जांपल दूं, अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और अगर आपको कोई भिखारी मिलता है तो एक आप सहानुभूति दिखा सकते हैं कि यार ये तो जो है बड़ा गरीब है, इसके लिए कुछ होना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए, वो एक सहानुभूति है कि वो गरीब है। अगर आप एम्पथी रखते हैं तो आप डेफिनेटली उसके बारे में ये सोचेंगे कि मैं किस तरह से इसकी किसी एजुकेशन का प्रबंध कर दूं ताकि बिल्कुल इसको आगे रोजगार मिल जाए और ये काम से इसको मुक्ति मिल जाए। तो इसको बिल्कुल बोलेंगे एम्पथी। जो आप, अगर आपका अपना कोई होता उसकी जगह तो आप क्या सोचते, तो एम्पथी उसको कहते हैं। तो हॉस्पिटल में जब आप जॉब करने आते हो तो आपके अंदर कुछ विशेष गुण, विशेष क्वालिटीज डेफिनेटली होनी चाहिए, जिसमें से मैंने जो सबसे पहली बताई वो है एम्पथी। तो हाँ जी सर, ये बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जब एक उम्मीदवार का इंटरव्यू आप लेते हैं एचआर के पर्सपेक्टिव से, तो क्या ऐसे लक्षण या गुण आप देखते हैं कैंडिडेट में? जी, तो ये सबसे पहला गुण वही जो मैंने आपको बताया, एम्पैथी बहुत जरूरी है हॉस्पिटल के अंदर। वो इसलिए जरूरी है, मैं इसको एलेबरेट करता हूँ, क्योंकि जो आपके पास पेशेंट आ रहा है वो ऑलरेडी पेन में है, वो दर्द में है, वो किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो उसको जरूरत है एक ऐसी सपोर्ट की, एक ऐसी सेवाओं की जो आप उसको बड़े प्यार से और मतलब सही तरीके से उसको डिलीवर करें। क्योंकि जब बंदा पहले पेन में है तो उसको आप अगर अच्छी सर्विसेज दें, अच्छे से बात करें, अगर कहते हैं पुरानी कहावत है, डॉक्टर जब बढ़िया से बात कर लेता है तो आधा रोग वैसे ही दूर वैसे ही होता ठीक हो जाता है। बिल्कुल है। सर, तो ये बहुत जरूरी है एक हॉस्पिटल हाँ के जी बंदे के अंदर होना। दूसरा है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आप अगर हिंदी में बोलें तो आपका बोल चाल की जो स्किल्स हैं वो आपके अंदर होने चाहिए। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री या किसी भी उसमें क्षेत्र में आप जाएं तो आपका जो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर कैसे करेंगे, किसी को अपने चीजों से कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे अपनी बात को समझाएंगे, ये हाँ आपका व्यवहार कैसा रहेगा? व्यवहार एक अलग बात आ जाएगी, ये एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। अगर आप चीज समझा ही नहीं पाएंगे किसी को तो आपके अंदर फिर आप उसको कैसे कन्विंस कर पाएंगे दूसरे बंदे को। तो ये आपके अंदर सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स होना। फिर आपके अंदर वर्क एथिक्स जो है, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, कि हाँ मुझे काम करने में मेरा उसका आपका दिलचस्पी होना चाहिए। वर्क एथिक मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रति आप ईमानदार होने चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका दिलचस्पी, रुचि होनी चाहिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा है उस काम में, आपको माता जी ने, पिताजी ने जबरदस्ती बोला है कि आप ये क्षेत्र चुन लीजिए, तो वो शायद आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, उतना नहीं आपको होगा। नहीं मिलेगा जब तक आपकी उसकी खुद में दिलचस्पी नहीं होगी। तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स हो। टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर ये सोचो कि आप साइलोज में काम कर लोगे अकेले में, क्योंकि एक हॉस्पिटल का काम बहुत ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। एक डॉक्टर एक नर्स के ऊपर निर्भर है, एक नर्स आगे किसी बैक ऑफिस या फिर फार्मेसी या फिर सब डिपार्टमेंट्स के ऊपर निर्भर है। तो टीम वर्क जब बिल्कुल तक आपके अंदर नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके अंदर इनिशिएटिव लेने की, जहां आप काम कर रहे हो वहां पर इनिशिएटिव लेना, आप इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ के काम करेंगे, जैसे आपको कोई काम सौंपा गया है लेकिन उसके साथ आपको कोई एडिशनल काम बोल दिया गया है या कुछ और इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो आपको इनिशिएटिव लेना है कि हाँ ये मैं करूंगा। इसमें बिल्कुल एक अंग्रेजी में बड़ी अच्छी कहावत है, इंस्टेड ऑफ सेइंग वाई मी यू शुड से ट्राई मी, ये यस सक्सेस बिल्कुल का मंत्र है। अगर आप ये कहेंगे तो डेफिनेटली आप जो है आगे बढ़ेंगे। इसके बिल्कुल अलावा एक जो मैडम आपने बात बोली थी उसको भी मैं दोहराऊंगा, इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो बहुत जरूरी है। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब है आप किसी के साथ अपने जो मैनेजर्स हैं या आपके कुलीग्स हैं या आपके जो जूनियर्स हैं या फिर दूसरे डिपार्टमेंट वाले हैं, उनके साथ आपका कैसा रिलेशन है, उनके साथ आप कैसा बॉन्डिंग मेंटेन करके चलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनके साथ बिल्कुल बॉन्डिंग नहीं बना के चलेंगे तो शायद वो आप उनसे काम नहीं निकलवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। तो एक बिल्कुल हेल्दी रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल स्किल्स ये बहुत जरूरी है। उसके बाद जो आप जिस रोल के लिए आपको हायर किया जा रहा है, सपोज आप एक पैरामेडिक्स हो या फिर आप एक नर्स हो या डॉक्टर हो या किसी भी रोल, उस रोल के जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो आपके पास होने बहुत जरूरी है। ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके अंदर आपको, जैसे आप अगर पैरामेडिक्स हैं तो आपको सीपीआर की, ईएमटी हैं तो आपको सीपीआर की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। वो एक लाइफ सेविंग जो है वो टूल है,
तो इस तरह से आपका जो जो भी टेक्निकल आप जिसके लिए भी चुने जाते हैं उसके स्किल्स आपके पास होने चाहिए। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं आपके अंदर। इसके अलावा आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो आपको आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आएंगे तो रोज आपको एक नई प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। किस तरह का पेशेंट आ रहा है, किस तरह की उसकी मनोस्थिति है, उसको पढ़ना, उसको उस तरह से ट्रीट करना। तो प्रॉब्लम बहुत सारी होंगी, उसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए, जिससे आप अपना आगे भी बढ़ सकते हैं। एनालिटिकल स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में, ये हर जगह जरूरी है। एनालिसिस, आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर क्या आजकल नया चल रहा है, क्या स्थिति है, उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर आप एक्शन करेंगे। तो एनालिटिकल स्किल्स भी बहुत जरूरी है आपके। अगर आप कहीं इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं सर, एनालिटिकल स्किल्स? एनालिसिस, अगर आप ये कह सकते हो कि अगर सपोज आपके पास कोई हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है तो आप को उसकी चीजों को प्रोएक्टिवली भांपना है कि उसकी क्या जरूरत है। अगर वो आ गया है गेट के अंदर तो नमस्कार करके उनको लेकर के आना, और फिर उनसे ये नहीं कि अगर वो बंदा आ रहा है चल के और आपसे पूछ रहा है कि सर मेरा ये काम है, तो डेट इज यू आर नॉट गिविंग अ गुड सर्विसेज। गुड सर्विसेज इज व्हेन यू आर प्रोएक्टिव गोइंग अप्रोचिंग टू द कस्टमर, फिर उनको कहते हैं कि सर हाँ जी नमस्कार, हम यहाँ पर कोलंबिया शॉप से हैं, आप बताइए हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। तो ये आपका उसको भांपने का, अगर आप कभी होटल में जाते हो तो आपने कभी खाना खाया हो, आपने देखा हो, वो आपको जब आप बैठते हो पहले स्वागत करके आपका बिठाते हैं, उसमें आपको देखते हैं कि गर्मी से आए हो तो आपको ठंडा पानी पहले सर्व करते हैं, और फिर जब आप बैठ जाते हो फिर वो रिप्लेनिश भी करते हैं, मतलब आपको पानी का वो देखते रहते हैं कब खत्म हुआ तो दोबारा करते हैं। फिर आपसे जब ऑर्डर लेते हैं तो आपको ऑर्डर में पहले ही बताते हैं जी आपको ये स्टार्टर में मिलेगा, वो आपको ऑप्शंस देते हैं। तो ये चीज जो है वो एनालाइज करते हैं पहले, किस तरह का कस्टमर है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, एनालाइज करके फिर उसको आगे उसी तरह से डिलीवर करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत जरूरी है आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स होने। दूसरा एनालिटिकल स्किल में आ जाता है आपका जो आज मार्केट में चल रहा है उसका आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका आपका डेटा पता होना चाहिए, उसका एनालिसिस करके आप अपने काम में किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी एक एनालिटिकल स्किल्स है। तो बिल्कुल सर, इसकी आप बात करें। और इससे अगला जो मैं कहूंगा वो है फ्लेक्सिबिलिटी या एडॉप्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आपको मतलब चीजों को फ्लेक्सिबल होने चाहिए आप। अगर आपको सपोज बोला जा रहा है कि आपको ये रोल आपके इसके लिए हायर किया गया है लेकिन इसमें आपको कुछ और भी काम है, या फिर आपके टाइमिंग्स की बात आती है कि आपको छह आपका जॉब जो है 9 से 6 का है लेकिन उसके अंदर काम डिमांड कर रहा है आज आपको 7 बजे तक बैठना है, तो आप इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि आप अपने काम के किसी और इंडस्ट्री से आए हैं और दूसरी इंडस्ट्री में आकर के आपको अडॉप्ट करना, आपकी अडॉप्टेबिलिटी जल्दी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे चीजों को अडॉप्ट करूं और उसमें शामिल हो जाऊं जो चल रहा है। बिल्कुल, वो सीखना जरूरी है। उसके अलावा जो एक बहुत जरूरी आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है वो है आपके कंप्यूटर स्किल्स। That is much more important because every single work is on computer these days. तो अगर आप कंप्यूटर में भी अपना हाथ आजमाई खुली रखेंगे तो डेफिनेटली आप ये HR जरूर देखेगा ये सब चीजों को अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ठीक है सर, तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें एक बहुत अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से बताया कि क्या एक्सपेक्टेशन एक HR पर्सपेक्टिव से होती फ्रॉम अ कैंडिडेट हु हैज कम फॉर एन इंटरव्यू। मैं आपसे इसी से रिलेटेड एक सवाल और पूछना चाहूंगी सर, कि जब हमारे बच्चे प्लेस हो जाते हैं, जॉब पे काम शुरू कर देते हैं, तो ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से वो अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, तेजी से आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, उनको ग्रोथ जल्दी मिल सकती है? जी, इसके लिए देखिए कुछ 3-4 फैक्टर्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो आपके अंदर होंगे तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे, जिसके अंदर भी ये गुण होंगे वो डेफिनेटली ग्रो करेगा। सबसे पहला है जिनका एटीट्यूड सही है, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आते हैं कि कुछ भी हो हमें ये काम करना है। देखिए अगर आपके पास स्किल्स नहीं भी हैं तो स्किल आपको सिखाए जा सकते हैं। सपोज आपको 2 चीजें नहीं भी आती तो हम आपको सिखा सकते हैं, लेकिन सीखने का आपके अंदर जज्बा नहीं होगा, आपके अंदर एटीट्यूड नहीं होगा तो मैं आपको मार पिटा करके नहीं सिखा पाऊंगा। तो इसीलिए आपके अंदर पैशन, जुनून और पॉजिटिव राइट पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तभी आप चीजों को सीखेंगे। तो सबसे पहली बात जरूरी है जज्बा।
जज्बा आपके अंदर होना चाहिए सीखने का और किसी भी चीज को अडॉप्ट करने का. दूसरा एक जो जो पैशन है किसी भी काम को करने का पैशन, जैसे आपने मेरी इंट्रोडक्शन में भी बताया, मुझे अच्छा लगता है रोज सुबह आकर के लोगों से मिलना जुलना, लोगों को फिर उनकी समस्याओं को सुनना, उनको हल देना, उनकी कोई भी चीज है उसको सुन करके उसको, क्योंकि एचआर का रोल है तो आप एक तरह से आपका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोगों की चीजों को जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना, डिसिप्लिन में रखना, बहुत सारी चीजें हैं. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डिसिप्लिन में लाने के लिए आपको थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट भी होना है, कुछ लोगों के लिए आपको नरम भी होना है, जिस तरह का हिसाब हो उस तरह से. तो ये आपके अंदर पैशन होना बहुत जरूरी है. पैशन होगा तो आप डेफिनेटली किसी भी चीज को जल्दी सीख लेंगे और जल्दी आप कामयाब हो जाएंगे. आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सितारे या जो बड़े बड़े आज नाम ले लीजिए, वो बहुत ही जूनियर लेवल से उठ करके सीनियर पे क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने उनका जुनून उस काम के लिए था, उन्होंने बाकी सब चीजों के ऊपर फोकस ना करके अपने करियर पे फोकस किया और वो आज बहुत अच्छे अच्छे मुकामों पर पहुंचे हैं. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जब आप गूगल पे सर्च करिएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक चीज और है, ईगर टू लर्न. आपकी लर्निंग के प्रति भूख, जो आप सीखने के प्रति आपकी जो भूख है वो बहुत आपकी तेज होनी चाहिए, उसी से आप कामयाब होंगे. अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है सीखने के लिए तो उसको कभी ये ना कहें कि मेरे प्रोफाइल में नहीं है या मैं नहीं कर सकता. हमेशा आप आगे बढ़ के बोलिए, हाँ मुझे मौका दीजिए, मैं इसको जरूर करना चाहूंगा. तो जो चीज आप सीखेंगे, आपकी नॉलेज जो आप हासिल कर लेंगे, वो कभी बेकार नहीं जाएगी, वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं काम आएगी. बिल्कुल, ये चीजें अगर आपके अंदर हैं तो आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर डेफिनेटली. बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही बोला सर. ये बेसिक हमारी जो ट्रेट्स आपने मेंशन करी हैं ये किसी भी इंडस्ट्री में काम आएंगी, मगर जैसे आपने शुरू में बोला सर, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में बच्चों को खास करके इस बात का ध्यान रखना है कि वो पेशेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके अंदर पेशेंट्स की तरफ एक एम्पथी होना चाहिए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्किल्स आप सिखा सकते हैं, मगर एटीट्यूड उनको अपना बहुत पॉजिटिव और प्रोएक्टिव लेके आना है जब वो हॉस्पिटल की जर्नी शुरू करते हैं. सर, क्योंकि आप आज इतने सालों से हॉस्पिटल स्पेस में काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि अगले 5 वर्षों में जो हमारे भारतवर्ष है, हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है, उसका क्या भविष्य है? क्या आपको लगता है ऐसी चीजें हैं जो हमारे बच्चों को जरूर पता होना चाहिए जब वो हेल्थ केयर सेक्टर में एंटर करते हैं? जी, अभी जो आपने प्रश्न किया इससे बहुत ही अच्छा प्रश्न है. इसके अंदर अगर आप ये मानिए कि पिछले कुछ वर्षों से या फिर अगर पिछले कुछ महीनों से माने तो बहुत तेजी के साथ इसमें ध्रुवीकरण हो रहा है, बहुत तेजी के साथ चेंजेस हो रहे हैं. जो पैंडेमिक के टाइम में अगर आप ये देखें, जो रोल है पैरामेडिक्स का वो बहुत तेजी के साथ स्विफ्टली बहुत चेंज हुआ है. उनका एक ऐसा रोल माना जाता है कि जो एक सपोर्टिंग रोल है, उसके बिना आज की डेट में अगर हम हॉस्पिटल इंडस्ट्री की एक मन में लाएं विचार तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे अगर आज बात करें कोई जो आपका EMT है या फिर लैब टेक्नीशियंस हैं जिनमें स्वैब से आपने टेस्ट कर रहे हैं कोरोना के, लैब इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज. आपने देखा होगा जो लैब हमारी 2000 के करीब गवर्नमेंट ने लैब सेटअप करी हैं, तो उसमें भी बहुत तेजी के साथ हमारी रिक्वायरमेंट भी आई होंगी, बहुत हायरिंग्स भी हुई होंगी. और आगे आने वाले समय में और इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये पेंडेमिक ने सरकार की भी आंखें खोली हैं, हेल्थ सेक्टर की भी आंखें खोली हैं कि हमारा जो हेल्थ के ऊपर फोकस था वो इतना तेज नहीं था, अब उसे और बढ़ा करके हमें हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाना है. तो ये स्कोप बहुत ही जबरदस्त है, आगे आने वाले टाइम में बहुत ही जबरदस्त वैकेंसीज और बहुत ज्यादा मौके इस फील्ड में आएंगे और ऑलरेडी आ चुके हैं. अभी आप अगर देखिए जो कोविड सेंटर्स सेटअप किए गए हैं और जो रिहैबिलिटेशन सेंटर सेटअप किए हैं कोविड को, जो उनके आइसोलेशन के लिए या फिर सेल्फ आइसोलेशन के लिए, तो उनमें बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स जो कि पैरामेडिक्स हैं, उनका रोल बहुत ज्यादा वाइड रहा है. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इसके अंदर, क्योंकि हर जगह डॉक्टर और हर जगह नर्सेज का मिल पाना बहुत मुश्किल था. तो पैरामेडिक्स एक ऐसा स्टाफ है जो हुनर रखता है, जो जिनके पास ये हुनर है, जो ये स्किल्स हैं जिनके पास, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है. आगे आने वाले समय में उनका रोल और अहम होने वाला है, उनकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है.
तो ये 5 सालों अगले, अगर आप 5 साल मानो तो आप ये मानिए कि मौके बहुत बढ़ेंगे, और जो ये है हमारी इंडस्ट्री, ये बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है, इसमें ठीक है ठीक रिसेशन की संभावना अब कहीं नहीं है। हाँ हाँ जी सर। सर कुछ आप है जो कुछ फॉरकास्ट है जो हमारे 5 सालों के, जैसे कि हम आपने कुछ मेंशन करा था कि आगे पांच जी, हाँ जैसे जो चेंजेस आने वाले हैं हाँ उनके जी बारे में अगर सर बात करें, तो चेंजेस पहले अगर हम ये सोचें, सबसे पहली बात है कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से आ चुकी है, और आगे 5 सालों में तो बहुत जबरदस्त तरीके से आगे आप उसका देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। तो सर ये आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे कनेक्ट करें हॉस्पिटल स्पेस में, मशीनरी में? जी बिल्कुल, जो टूल्स हैं, जो आपकी मशीन्स आ गई हैं, नई नई, जैसे पहले आप, एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे मैंने आपको सुबह ही बात की थी जब हम बात कर रहे थे इस चीज के लिए, कि पहले जब हमें एनेस्थीसिया देना होता था एंशियंट जमानों में, हमारे जो पूर्वज थे, सर्जरी सब भी होती थी, तब आपको एक स्पेशल किस्म का सॉफ्ट हथौड़ा होता था जो आपके सिर में मारा जाता था और आपको बेहोश किया जाता था सर्जरी के लिए। आज की डेट में हम इतने खुशनसीब हैं कि आज हमारी साइंस इतनी तरक्की कर गई है, एक छोटा जी सा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन आपको दिया जाता है और आपकी सर्जरी बड़े आराम से हो जाती है। हाँ जी ये सर मुझे भी सर नहीं पता थी, आई एम ऑल्सो हाँ स्मॉल सर्जरीज, आई टॉक टू डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स ने जी मुझे ये चीज बताई तो मेरे भी मतलब एक ज्ञान में इजाफा हुआ कि पहले किस तरह से लोगों ने दर्द सहे होंगे, वही आज की डेट में बहुत ही सिंपल एक छोटे से इंजेक्शन के साथ आप ये कर सकते हैं, और उसके बाद आप सर्जरी करके आपको पता भी नहीं चलेगा एंड यू हाँ विल जी फील बेटर। एक ये हो गया आपकी टेक्नोलॉजी जो है, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें आपको बहुत ही चीजें आपको देखने की मिलेंगी। दूसरा, अगर हम ये माने कि आपकी रोबोटिक जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा होने वाली है, अब रोबोटिक सर्जरीज होने लगी है ना, और जिसमें आपको बड़े ही सटीक नतीजे मिलते हैं। जब एक डॉक्टर कोई सर्जरी करता है तो उसके हाथ में डेफिनेटली, जब वो एक्सपीरियंस होता चला जाता है तो उसके हाथ में वही करिश्माई जादू रहता है जो रोबोट में हो सकता है, लेकिन रोबोट को जब आप पहली सर्जरी दोगे या दिन में आप 100वीं सर्जरी दोगे तो वो 100 की 100 सर्जरीज में एक्यूट रिजल्ट देगा, आपको उसके अंदर 1% का भी वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ी ही जबरदस्त चीज होगी जो रोबोटिक सर्जरीज होने लगी है, ये कोलंबिया शहर में भी हमारे बैंगलोर यूनिट्स में शुरू हो गई है कुछ हद तक, और हमारे कोलंबिया एशिया गाजियाबाद में भी अगर आप देखेंगे तो लेजर सर्जरी और रोबोटिक आपकी आंखों की सर्जरी शुरू हो चुकी है। तो ये बहुत ही तेजी के साथ रोबोटिक सर्जरीज अब आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी, जिसके नतीजे बहुत ही आंखें खोलने वाले, चौंका देने वाले होंगे, जिससे आपकी हॉस्पिटल इंडस्ट्री बहुत बदल जाएगी। दूसरा, अगर आप ये करें कि ट्रांसप्लांट्स जो होते हैं वो पहले बहुत कम हुआ करते थे, हमारे पहले पूर्वज, अगर कोई उनके अंग खराब होते थे वो धीरे धीरे पतन की ओर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपकी ऐसी ऐसी जो चीजें आ गई हैं, ट्रांसप्लांट्स, आपके लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, आइस ट्रांसप्लांट, और अब तो ऑर्गन डोनेशन की भी बात होती है, जो आप ऑर्गन से वो डोनेट करते हैं और वो दूसरे बंदों को नई जिंदगी भी देते हैं। तो ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी जो है वो अभी तक की कामयाबी रही, नया हाँ और आने जी वाले टाइम में भी बहुत आगे इसके आपको देखने को मिलेंगे कि आप बहुत तरह के ट्रांसप्लांट्स बढ़ जाएंगे। जैसे अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें तो सिर्फ ये अंगों के उस पे अभी सिर्फ नहीं रह गया है, ये कॉस्मेटिक में भी बहुत आगे बढ़ गया है। ट्रांसप्लांट्स अगर आप देखें, आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, कोई नाक का ट्रांसप्लांट हो रहा है तो ब्यूटी आपकी बढ़ जाती है, लिप्स, या फिर आपके हेयर ट्रांसप्लांट्स, ये सब चीजें भी अब जो ब्यूटी इंडस्ट्री थी वो भी जुड़ गई हॉस्पिटल इंडस्ट्री के साथ, हेल्थ इंडस्ट्री के साथ, और वो आगे काफी कोलैबोरेशन बहुत आगे सक्सेस होने वाला है। तो ये भी ट्रांसप्लांट के अंदर भी अगर आप देखें, एक जो मैंने और मुझे चीज दिखती है वो है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें बहुत ही छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर आप, अभी मैं हॉस्पिटल का एग्जांपल ना देकर के आपको एक सिम का एग्जांपल दूं, या एक फोन का एग्जांपल दूं, या कंप्यूटर का एग्जांपल दूं, तो पहले आपने देखा होगा कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े होते थे, कमरे के साइज के, या मतलब एक बड़े बड़े आपके 50 इंच के या 60 इंच के, इतने बड़े बड़े हुआ करते थे। आज अगर आप देखते हो तो आपके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल एक पूरा कंप्यूटर का काम करता है। तो इतनी सिकुड़ गई हैं चीजें, इतनी नैनो हो गई हैं, सिम इतने नैनो हो गए हैं, मतलब टेक्नोलॉजी आपको ऐसा वो बना करके देगी जिसमें आपको बहुत ही इजी, जैसे सपोज आप नैनो का मतलब आप समझिएगा, जैसे एक अखबार है, अखबार के अंदर आपके 1 लाख नैनो माइक्रोमीटर्स हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल समझ सर सकते हैं कि कितनी गहराई में ये चीज जाएगी, आपका एक बॉडी में जो सेल है उसके अंदर कितनी ज्यादा गहराई से जाकर के उसकी जांच की जाएगी,
और उसके अंदर जो भी आपका ट्रीटमेंट चाहिए उस तरह की ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड होगी। मैंने तो कहीं पढ़ा भी था कि आपके दिल के अंदर या जो जो बैड सेल्स हैं उनके ऊपर भी ऐसा कुछ वो कर दिया जाएगा कि आपको बैड सेल्स निकाल करके जो आपको ब्लॉकेज करते हैं उनको गुड सेल्स के साथ रिप्लेस भी किया जा सकेगा। ऐसी ये मेरी सिर्फ एक कहीं पढ़ी हुई बात है, आगे आने वाले समय में ये जरूर सच भी होगी। हाँ, तो मेडिकल लाइन में ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं, जब तक आ नहीं जाती तो हम उनके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बड़े बड़े विद्वानों ने जो बोला है हम भी उनको देख करके बताते हैं आपको कि ये चीजें आगे आने वाले समय में आपको दिखेंगे। और अगर आप एक चीज और देखें कि आपके पास हेल्थ केयर गैजेट्स जो है वो छोटे छोटे गैजेट्स जो कि आप खुद अपना ध्यान रख सकते हैं, आने वाले समय में मेडिकल लाइन इस तरह की हो जाएगी कि आपको पहले अब पेशेंट आता है आपको अपने पास चेक कराने के लिए, आपसे पहले बीपी चेक कराएगा, वाइटल चेक कराएगा और चीजें आप फिर जानेंगे, डायग्नोस करेंगे। लेकिन आगे जो आने वाली जो जनरेशन है हॉस्पिटल हेल्थ केयर की, उसमें आपको वो बंदा खुद ही अपनी प्रॉब्लम बता करके आएगा कि मेरे को, क्योंकि आपके पास गैजेट्स इतने सारे हैं। अब एक घड़ी अगर आप पहनते हैं उसके अंदर आप अपनी स्लीप, अपना कदम, आपने कितने चले, कितने एक्सरसाइज करी, क्या आपने कार्डियक करने की जरूरत है, आपको आपकी क्या खान पान में जरूरत है, आपने कितना खान पान आप करेंगे, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप आज घड़ी में ले सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि आपको सारी चीजें पता होंगी तो बीमार पड़ने के चांसेस आपके कम होंगे, क्योंकि आपको इनिशियली पता लग रहा है, आपकी घड़ी बता रही है कि आपको क्या इस टाइम क्या आपके प्रॉब्लम है, क्या आप उसको, तो अगर कुछ मेजर है तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल को रश कर सकते हैं, तो आपकी जान मतलब बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। और अगर आप ये देखें कि एक नई चीजें आएंगी, मेडिकल ट्राइकॉर्डर्स बोलते हैं जिनको, ये अभी तक सिर्फ कहीं फिल्मों में या वो देखा गया है, जो आगे सच्चाई होने वाली होगी, जो उपकरण है आपके वो छोटे होते चले जाएंगे और छोटे उपकरणों के अंदर ज्यादा बीमारियों को कैप्चर करने की वाइटल्स आप उसी से ले पाएंगे और बहुत सारी चीजों को डायग्नोस आप उसी से कर पाएंगे। तो बहुत छोटे छोटे नैनो उपकरण आपके पास उपलब्ध होंगे जिनसे आप बहुत आसानी से चीजों को डायग्नोस कर पाएंगे और उसकी ट्रीटमेंट सही दिशा में चल पाएगी। तो ये आने वाले समय में आपको बहुत सारे हेल्थ केयर में बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। हाँ जी सर, बहुत बहुत एक्साइटिंग टाइम्स समय में आपको दिखेंगे ये सारी चीजें। एब्सोल्युटली। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि डेफिनेटली बहुत सारे हम चेंजेस की उम्मीद कर रहे हैं, मगर कुछ हमें चुनौतियां भी दिखती हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में आज भी हैं और आगे भी जाके हैं, जिसका हमने शायद शुरू में मेंशन करा था कि कुछ हमारे स्किल गैप एरियाज हैं, तो सर उसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी टिप्पणी दें। जी जरूर जरूर। अभी जो इस टाइम अगर हम आज देखें तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए है, एक तो आपके पास उपकरणों की कमी है जो साफ झलक करके आया है पेंडेमिक्स में, आपने देखा होगा। लेकिन इससे एक अच्छी चीज हुई है, सरकार के भी और हेल्थ के प्रति लोगों की भी जागरूकता बढ़ी है और बहुत सारे आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो जो आपके मॉनिटर्स हैं, जो आपके वेंटिलेटर्स हैं, वो सस्ते दाम पर उन्होंने उपलब्ध कराए, देसी बनाए, मतलब अपने देश में निर्मित किए और उनको उपलब्ध कराया, हॉस्पिटल्स को दिलवाया, जिससे हमारी वेंटिलेटर्स की संख्या बहुत जल्दी बढ़ी है और लोगों को हमारी जान बचाने में हमारी बहुत हेल्प हुई है। और आने वाले समय में जरूर इसके ऊपर आपको ये चैलेंज अभी भी उतने ही तरह से नहीं सॉल्व हुए हैं, लेकिन हाँ अभी जो आने वाले समय है उसमें आपको ये चीजें जरूर देखने को मिलेंगी, बहुत ये चैलेंजेस हमारे जरूर हम ओवरकम कर पाएंगे। दूसरा जो मेजर चैलेंज है वो है आपके टेक्निकल स्किल्स का, जो आपके कॉम्पिटेंट स्किल, ऐसा नहीं है कि इस टाइम हमारे पास स्किल अवेलेबल नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेंट स्किल की हमारे पास आज भी हमें कमी दिखती है। डॉक्टर्स की कमी साफ झलक रही है, नर्सेज की कमी, कॉम्पिटेंट नर्सेज की कमी और कॉम्पिटेंट आपके पैरामेडिक स्टाफ की कमी साफ दिखती है, क्योंकि यही लोग हैं जो जान बचाएंगे आपकी। तो अगर इनके ऊपर हमें फोकस करना है आने वाले समय में, जैसे मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, क्योंकि ये कमियां आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, इनके ऊपर काम होगा, तो डेफिनेटली ये चैलेंजेस अभी हमारे सामने हैं। तो ये दो तीन चैलेंजेस हैं स्किल्स के और हमारे जो चीजें हैं हमने आपको बताई, ये अभी आएंगे आने वाले समय में, जरूर इनको ओवरकम करेंगे। चैलेंजेस आते रहते हैं, समय से समय चीजें बदलेंगी, तो जो नई चीजें आएंगी उनमें हमें नए चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर, ये समय के साथ चेंज होती हैं चीजें और चेंज ऐसी चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर इससे रिलेटेड मैं ये पूछना चाहूंगी कि पिछले करीब 7 महीनों से हम कोविड से लगातार जूझ रहे हैं,
इन 7 महीनों में सर, आप अगर थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बच्चे सारे पैरामेडिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा हमें ये बता सकें सर कि पैरामेडिक टीम की क्या भूमिका रही है एज अ सपोर्ट, यू नो, अलाइड हेल्थ केयर सपोर्ट स्टाफ इन द हॉस्पिटल सेक्टर फॉर हेल्पिंग ओवरकम द पैंडेमिक सिचुएशन. क्या इन लोगों का, पैरामेडिक स्पेस का और सेक्टर का सर क्या योगदान रहा है? वेरी इम्पोर्टेंट, रियली वेरी इम्पोर्टेंट. पैंडेमिक्स के दौरान जो आपने देखा होगा कि हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ केयर शॉर्टेज थी, हाँ जी सर, और वो जूझना पड़ा हमें उसे. लेकिन जो आपके पैरामेडिक स्टाफ हैं उनका सहयोग बहुत ही अवांछनीय, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा. अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की या सरकारी सेक्टर की, तो सरकारी सेक्टर में बहुत सारे ऐसे जो सेंटर्स बनाए गए थे, कोविड सेंटर्स, जहां पर हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, नर्सेज उतनी मात्रा में नहीं थी, तो पैरामेडिक्स ने आगे बढ़कर के मोर्चा संभाला है. और उन्होंने बहुत हेल्प करी है सोसाइटी के प्रति, उनकी बहुत ही तगड़ी हेल्प रही है. क्योंकि पैरामेडिक जो स्टाफ है उनको, वो एक तरह से मेडिकल रिलेटेड ही हैं, लेकिन उनका ज्ञान थोड़ा सीमित है, लेकिन उनका ज्ञान हॉस्पिटल लाइन का ही है, हेल्थ केयर का ही है, तो बहुत काम आया है सरकार के क्षेत्र में, तो बहुत ही उम्दा. उन्होंने बहुत लोगों की जान बचाई गई है इस पेंडेमिक में आपके पैरामेडिक्स के द्वारा. अगर हम बात करें लैब्स की, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 2000 लैब्स एस्टेब्लिश की गई थी कोविड के स्पेशली उसके लिए, तो उसमें अगर आप, ये भी पैरामेडिक्स का एक हिस्सा है लैब्स, है ना, तो उसमें बहुत बड़ा अहम रोल रहा है उनका. बहुत ही तेजी के साथ टेस्ट हुए, अगर आप आंकड़े देखें तो बहुत तेजी के साथ टेस्टों की संख्या बढ़ी यूपी में, दिल्ली में, सारे देश में अगर हम माने तो बहुत ही तेजी के साथ टेस्ट हुए, जिन के कारण लोगों का पता चला कि किसको कोविड है, कुछ लोग, किन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, ये सब चीजें, लैब का बहुत ही बड़ा अहम रोल था उसके अंदर. जिनको नहीं था वो बहुत डरे हुए थे लोगों का, उसके अंदर भी उन लोगों ने, कई लोगों ने टेस्ट भी कराए कि सिम्टम नहीं, थोड़े बहुत भी दिख रहे हैं तो उन्होंने टेस्ट कराए, तो टेस्टों की संख्या बहुत बढ़ी, जिसके कारण लैब की बहुत भूमिका बढ़ गई. अब अगर हम बात करें EMTs की और एम्बुलेंस ड्राइवर्स की, जो भी आपके इसी के अंदर आते हैं पैरामेडिक्स में, तो इस दौरान एम्बुलेंसेस का आपको पता है बहुत ही अहम रोल रहा कि किसी भी बीमार व्यक्ति जो कि जूझ रहा है अपनी सेहत से, जो क्रिटिकल कंडीशन में है, उनको उठा करके लाना और हॉस्पिटल तक पहुंचाना. बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी व्हाट्सएप के ऊपर या बहुत सारे फेसबुक या बहुत सारी चीजों में, कि एम्बुलेंस की जो इम्पोर्टेंस ही बहुत ज्यादा थी, अब भी है, और उनके ड्राइवर्स ने बहुत ही सपोर्ट किया है बीमारों को यहाँ तक पहुंचाने का. उन एम्बुलेंसेस के अंदर जो ये आपकी ACLS एम्बुलेंसेस होती हैं, उसके अंदर आपके पैरामेडिकल स्टाफ ने बहुत अहम भूमिका निभाई है. हाँ जी. कि जब वो घर से लेकर के हॉस्पिटल तक आ रहा है, उस दौरान उनका देखभाल करना, उनकी पूरी प्रॉपर ट्रीटमेंट ही एक तरह से उन्होंने ध्यान रखा है. वो एक बड़ा क्रूशल पीरियड होता है जब एक बीमार आदमी, बहुत ही सीवियर बीमार आदमी, जब आधे घंटे एक घंटे की दूरी को तय करके हॉस्पिटल आता है, वो एक बड़ा वाइटल समय होता है एक मरीज के लिए, क्योंकि उस दौरान उसके साथ कुछ भी हो सकता है. तो वो पैरामेडिकल स्टाफ ने उसको बहुत अच्छे से संभाला है और हॉस्पिटल तक उनको सेफ पहुंचाया है, और डॉक्टर्स ने फिर उसको आगे परस्यू करके उनकी जानें बचाई हैं. तो पैरामेडिक्स में आप ये मानिए लैब, आपके फार्मेसी, आपके इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हम रोज पढ़ते हैं अखबारों में कि बेड्स नहीं है हॉस्पिटल में, हमारे ICUs फुल हैं. तो इनफैक्ट आई थिंक बिकॉज हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, तो द रीच ऑफ द डॉक्टर्स एंड द नर्सेज, द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उनकी रीच बढ़ जाती है, उनका जो पेशेंट्स को संभालना आसान हो जाता है. सो डेफिनेटली सर की जो हमारा पैरामेडिक स्पेस है, ये आगे जाके और भी इम्पोर्टेंट होता जाएगा फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर. सर मैं आपसे, क्योंकि जब मैंने ये इंटरव्यू शुरू करा था तो बोला था कि हमारे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं विरोहन में, जो बच्चे हमारे इंटर्नशिप पे हैं, वो सारे इस मंच पे अभी जुड़े हुए हैं सर. तो मैं चाहूंगी सर, अगर आप कुछ एक बच्चों के लिए कोई, क्योंकि अब वो अपने कुछ ने तो इंटर्नशिप के थ्रू अपना करियर स्टार्ट करा है, प्रैक्टिकल लर्निंग स्टार्ट कर दी है, कुछ अभी सिर्फ थ्योरी के ही लेवल पे हैं, मगर अगर कोई ऐसी चीज है जो आप उनको सुझाव देना चाहें या कोई आपका मैसेज है
उन बच्चों के लिए कि आगे उनको क्या सोचना चाहिए या क्या किस प्रकार से एक अपना करियर की तरफ रुख बढ़ाना चाहिए? जी जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जो अपना इंटर्नशिप टाइम है जो वो अस्पताल में गुजारेंगे, उस समय को वो पूरा का पूरा यूटिलाइज करें, जितना बेहतर हो सकता है उसको ऑब्जर्व करें और सीखें, कोशिश करें कि जो है उस टाइम को पूरा यूटिलाइज करें। जैसे सपोजिटली अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप करते हो तो वो दौरान आपका एक परीक्षा का होता है, आप सिर्फ ये समझते हो कि आप इंटर्नशिप पूरी करके चले जाओगे, लेकिन अस्पताल वाले आपको जो इंटर्नशिप करा रहे हैं उस टाइम वो आपको जरूर जज भी कर रहे होते हैं कि आप कितने डिसिप्लिन हैं, आप कितने टाइम से आ रहे हैं, आप टाइम से जा रहे हैं, आपका ग्रूमिंग कैसा है, आप उस वक्त जब आपने ट्रेनिंग करी तो आपने कितने ध्यान से चीजों को सीखा और आपकी कितनी लगन थी सीखने में और आपने कितनी ईमानदारी से अपने काम को निभाया जो आपको दिया गया। तो ये जब वक्त होता है जब आप ये चीजों को हॉस्पिटल वाले आपका डेटाबेस जब बना लेते हैं, फ्यूचर में जब आपकी हॉस्पिटल में कोई रिक्वायरमेंट होती है तो डेफिनेटली फिर वो ये देखते हैं कि यार जो हमारे ये हमारे पास इंटर्न्स थे उनमें से कुछ अच्छा भी कैंडिडेट्स है जिनको हम हायर भी कर सकते हैं। तो आप सिर्फ ये सोच के मत जाइए कि आप इंटर्न हैं, आप ये सोच के जाइए कि आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर उस समय को पूरा यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपका आने वाला समय आपके लिए डेफिनेटली ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, आपको बहुत जरूरी है आपका दिल और दिमाग एक केंद्र में ला करके काम करने का। अगर आपका इंटरेस्ट, जैसे अंग्रेजी में कहावत है वेयर योर हार्ट इज देयर योर माइंड इज, अगर आपका दिल जहां आपको कहता है कि मुझे ये करना है, मेरा ये काम मुझे अच्छा लगता है, तो आप उसको करिए। अगर आपको लगता है ये आपकी फील्ड सही नहीं है और मुझे ये मजा नहीं आ रहा है तो प्लीज कैरी ऑन कीजिए, आपके पास एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में है, आप उनको अडॉप्ट कीजिए। लेकिन जब आपका दिल नहीं है तो प्लीज उस काम को जबरदस्ती मत कीजिएगा, क्योंकि जब आपके पैशन, आपका जुनून जिस तरफ आपको लेकर जाता है उस तरफ आपकी कामयाबी के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। जहां आप काम जबरदस्ती करेंगे तो वो जबरदस्ती का काम कभी भी बढ़िया नहीं होता है। तो हमेशा अपने जुनून को फॉलो कीजिएगा, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, भले ही वो कुछ भी हो। अगर आपने एक रास्ता चुना है तो उस रास्ते के ऊपर फिर अड़िग होकर के चलिएगा, डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ये दो चीजों का जरूर ध्यान रखिए। तीसरा, अपना एटीट्यूड हमेशा वो रखिए जो पॉजिटिव है, मतलब आपको ये लगता है कि ये काम में मैंने अब घुस गया हूं तो मुझे इसी में कामयाब होना है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आइए घर से, अगर एक बार निकले हैं तो कामयाबी की कसम खा के निकलिए कि मुझे घर जाना है तो कामयाब होके जाना है। तो डेफिनेटली आप जरूर दिन में जिंदगी में ऑब्वियसली कामयाब होंगे। बिल्कुल सर, मैं एक्चुअली इस पे ये भी बोलना चाहूंगी, हमारे बहुत सारे बच्चे जब इंटर्नशिप पे जाते हैं तो उनको एडवांस प्री प्लेसमेंट ऑफर जिसे हम कहते हैं उनको वो भी मिलता है। तो वही मेरा भी कहने का मतलब था। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हॉस्पिटल उनके काम को प्रशंसा करता है और उनको एम्प्लॉयमेंट पे भी रखते हैं। तो हमारी पूरी यही कोशिश है कि हम अपने बच्चों को जब इवन थ्योरी सिखाते हैं सर, टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं, तो हम उनको सॉफ्ट स्किल्स की भी ट्रेनिंग देते हैं। जो आपने सारी चीजें हमें मेंशन करी वो हमारे करिकुलम का पार्ट है। सर, अब मैं और वक्त ना लेके ये मंच बच्चों के लिए खोल रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे विरोहन के साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं, तो विरोहन के जो छात्र हमारे पास इंटर्नशिप कर रहे हैं इस वक्त, उनकी मैं थोड़ी प्रशंसा भी करना चाहूंगा और आपको भी उसका श्रेय जाता है कि वो बहुत ही अनुशासित बच्चे हैं जो आए हैं हमारे पास, बहुत ही अच्छा बैच। धन्यवाद सर। और जो पहला बैच है हमारे पास आया है तो मुझे वाकई में लगा कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनके ऊपर मेहनत आपकी दिख रही है। प्लीज कीप इट अप एंड इसी तरह से प्लीज अच्छे प्रोडक्ट बनाते रहिए और हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो छात्रों, अब आप लोगों के जो भी सवाल हैं एक एक करके आप लोग अपने आप को म्यूट करके सर के से पूछ सकते हैं। यस मैम। सर मुझे आपसे पूछना है। what HR subject interested you the most during your college days?
सॉरी कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन बिकॉज़ देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइज़ इज सो मच आई कुडंट हियर यू वो कह रही है आपके कॉलेज डेज में कौन सा एचआर का सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा सी माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज ऑब्वियसली लॉज व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी लॉ सो आई हैव ऑब्टेन हायर मार्क्स इन लॉ ओनली When you read an acts, because it is very important being in HR, you should be well versed with the statutory compliances. Because this is the thing which government will not going to spare you if you have any errors in your statutory norms. So you'll have to follow the statutory norms. So that is very, which attracts me at my time of study. Okay, sir. Sir, my next question was that आपके फील्ड में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आई जिसे आपको फेस करनी पड़ी क्या आप हमको बता सकते हैं आपके जर्नी में ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स आई जी देखिए मैंने जैसे आपको बताया था मेरी जर्नी जो रही है वो वेरियस इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया मैंने अपना करियर शुरू किया ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन से जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी फिर मैंने डीएलएफ में काम किया जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी फिर एक होटल जहाँ पर एक बिल्कुल ही आप ये कह लीजिए ऑलमोस्ट डिफरेंट तरह का एटमोसफेयर था फिर हॉस्पिटल तो सबसे बड़ी जो आपको एक चैलेंज आता है वो होता है जब आप स्विफ्ट चेंज करते हैं किसी इंडस्ट्री को तो आपको उस इंडस्ट्री की जरूरतों को समझना और अपने आप को अडॉप्ट करना और सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है आपके पास रिक्रूटमेंट स्किल जो आपकी जो रिक्वायर्ड है उनको हायर करने की क्षमता या आपको उसको सीख करके जल्दी अडॉप्ट करना होता है क्योंकि बीइंग एचआर हेड आपके पास उतना समय नहीं होता कि आप अपने आप को प्रूव करने का समय मिले तो ये बहुत जल्दी जल्दी अडॉप्ट करना और चीजों को ये थोड़ा सा मेरे सामने जब मैंने क्योंकि तीन चार इंडस्ट्री चेंज की तो मुझे लगा था लेकिन आई ओवरकम इट एंड दो आई मैनेज टू सरवाइव ओके सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन आप और लोगों को भी प्लीज चांस दीजिए क्वेश्चन पूछने के लिए थैंक यू सर सर मेरा सवाल आपसे है कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं देखिए इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहिए कॉन्फिडेंस अपने आप बनेगा क्योंकि अगर आपके पास जो नॉलेज होगी तो आप कॉन्फिडेंट होंगे अगर आपको अपने सब्जेक्ट या जो भी आप सब्जेक्ट आप जिसमें भी आपका माहिरता है उसको बढ़ाते रहिए अपडेट करते रहिए तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और कोशिश कीजिए दूसरे सब्जेक्ट्स को भी आप ज्ञान उनका भी हासिल करते रहें जैसे सपोजिटली अगर मैं एचआर में हूं तो ये नहीं कि मैं एचआर तक सीमित हूं मैं जरूर जब मौका मिलता है तो नर्सिंग में भी जाता हूं उनसे भी चीजें सीखता हूं मैं जब डॉक्टर्स के पास जाता हूं उनसे भी बात करता हूं उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूं पैरामेडिक्स में जाता हूं तो उनसे भी कुछ ना कुछ सीखता हूं फार्मेसी तो मुझे उससे बहुत हेल्प मिलती है जब मैं किसी को इंटरव्यू करता हूं तो मैं ये टेक्निकल स्किल्स की चेकिंग के लिए उन पर निर्भर नहीं होता हूं मैं खुद से भी टेक्निकल चीजों को चेक कर पाता हूं तो ये आपका कॉन्फिडेंस इसी से बढ़ता है जब आप चीजों को निरंतर सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज गुड आफ्टरनून मैम आई एम दीपाली फ्रॉम डीएचई कोर्स यस दीपाली मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ सर से अभी सर ने बोला कि प्रोग्रेसिव फ्यूचर के लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए बट कभी कभी सिचुएशन हमारे सामने ऐसी हो जाती है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के साथ भी हम मतलब नहीं रख पाते तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए बहुत अच्छा सवाल दीपाली आपका देखिए जिंदगी के पहलू हमेशा दो रहे हैं सफलता और असफलता असफलता अगर आपको मिल भी रही है तो अगर आप एक बार सपोज हिंदी में कहा जाता है एक बार आप गिर जाएं तो उठ करके जो चल पाए वही कामयाब है जो गिर गया और नहीं उठ पाया तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा तो आपको ये जरूर सोचना है कि आज मेरे पास नाकामयाबी लगी है मैं पॉजिटिव अगर मैं सोच रखूंगा तो कल डेफिनेटली मैं और उम्मीद लेकर के और नई ताकत लेकर के आगे बढ़ूंगा तो डेफिनेटली मैं कामयाब होगा जी सर थैंक यू सर गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून And my question is, it's a fresher going for the interview and with him there is an experienced person and both are going for the same interview, then how should we express ourselves to get selected over the experienced person? See, if you heard me, I have initially told you that if you are in, though you are in fresher, but you have a right set of attitude,
I will definitely go for the right set of attitude instead of experience. Because if an experienced person should not have a positive attitude, I will not definitely not go with him. I will definitely take a chance with the fresher, because he has a zeal to learn, and I will make him learn and grow in the industry. But if the skilled person who is having the skill but he is not having the right side of attitude, definitely it's a big no for me. So please don't feel that you're a fresher, but you should have a right side of attitude so that you can be selected. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Thank you. Sir, my name is Utkarsh, and I am from Nagpur, pursuing DHA course from Virohan. Sir, my question is that what is the current status of public-private partnership in healthcare system? Public-private partnerships are basically, it's not very much as of now, but yes, in future, you will definitely see the role of public-private sector merging also. But as of now, it's really very on lower side. Yes, there are referrals and all that stuff, which are if a private sector does not able to have a setup, big setup, they definitely transfer the, as you see, if you see in Delhi, there are big setups like AIIMS and all other hospitals, the referrals are being there, that are being taken care. So as of now, the public and private are not being merged as, but yeah, in future, you may see such things also. Okay, then sir, my next question is, how important are the roles of health information managers in healthcare delivery system? Role of health information manager in healthcare delivery system. See, this definitely, this would be a very important health information manager, though we do not have this sort of profile here. Yes, definitely other hospitals might be having it. The role would be very vital if you go for any role in hospital. If you leave this specific position, any role in any organization is as important as any small or big. Because if you see, if you compare your housekeeping, supposedly, housekeeping ke bina bhi, you will not be able to manage the run the show. Or agar aap HR manager le le, uske bina bhi aap nahi show kar payenge. Agar aap nurses or doctors ke bina bhi, to every role has their own importance. And their own vitality uski bhi apni sabki alag alag hogi. Okay, thank you sir, thank you ma'am. Tanya, good afternoon sir. Tanya, aapne apna raise kara hai haath, kya question hai aapka? Yes ma'am, good afternoon ma'am, good afternoon sir. Good afternoon. Main sir se puchna chahti ki sir, aap shuru se pehle is field mein interested the ya fir aapka interest किसी के जरिए हुआ है इसमें? जी देखिए, मेरा अगर मैं ये पूछूं, हमने जैसे शुरू में भी बात की थी, जहां आपका इंटरेस्ट होता है वहीं आप आपको बढ़ना चाहिए. तो मैंने जब अपना करियर शुरू किया था ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन में, इट वाज नॉट कम्प्लीटली एचआर. एक प्रोजेक्ट था जो एचआर के अंडर था, और मेरा जैसे मैंने आपको बताया अभी, मैं अपने हुनर, अपने एक्सपीरियंस से मैंने आपको बात बताई कि जब आप एक इंटर्नशिप पीरियड में होते हैं तो आप अपना अगर हुनर वहां साबित करते हैं तो डेफिनेटली आपको कंपनी जरूर मौका देती है. वही चीज मेरे साथ हुई. मैं ऑफ रोल जॉब्स पे था तो मुझे वहां पर कुछ मेंटर्स मिले जिन्होंने मुझे मेरे काम को देखा, सराहा, और उन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी कि मैं एक एचआर में मेरे गुण अच्छे हैं तो मैं एक कोई स्पेसिफिक डिग्री लूं तो डेफिनेटली आगे बढ़ सकता हूं. उनकी मेंटरशिप के साथ मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ. तो डेफिनेटली मेरे लिए एचआर बहुत ही अहम और मुझे बहुत दिलचस्प लगता है. ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको एक ऐसी चीज के साथ मतलब वो डील करना है जो बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही वल्नरेबल है. आपको बहुत ही तरीके से और सलीके से इनको मैनेज करना है. ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो कोई भी कंपनी अगर आप माने, उसके चार स्तंभ होते हैं. एक आपका फाइनेंस, आपका जो पैसा है, दूसरा आपका प्रोडक्ट है, तीसरा आपका ह्यूमन रिसोर्स है, और चौथा आपकी सर्विसेज है. तो ये चारों के मतलब बाकी तीन अगर आप ये माने, आपके हॉस्पिटल, आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोसेस और आपका फाइनेंस, ये तीनों अगर आपके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो डेफिनेटली ये तीनों आपकी इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे. एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा, एक अच्छा आपके पास स्किल होगा, तो वो डेफिनेटली आपकी चीजों को बढ़ा करके आगे ले जाएगा.
आपने जितना भी पैसा लगाया है तो उसको दुगना करके दे देगा, लेकिन अगर आपने स्किल अच्छे नहीं रखे, मतलब आपने बंदे या वर्कर अच्छे नहीं रखे, तो वो आपने जितना भी लगाया उनको डुबा देंगे। तो डेफिनेटली बहुत जरूरी है कि आप आपका इंटरेस्ट होना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं। तो मेरा डेफिनेटली एचआर के अंदर शुरू से इंटरेस्ट रहा है और मैं आज उस चीज में सैटिस्फाइड। शीला आपने हाथ उठाया है, आपका क्या क्वेश्चन है? यस मैम, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं डीएमएलटी बैच से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने शुरू में बोला था एपिथी वर्ड, तो सर मैं जानना चाहूंगी कि हाँ यस सर एपिथी, तो आप जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं सर, एम्पैथी सर सॉरी एम्पैथी सर, आप एम्पैथी वर्ड जो आपने यूज किया था, तो आप जब इंटरव्यू में देते हैं किसी का, किसी पर्सन का, तो आप एम्पैथी को कैसे जज करेंगे उसकी? जी बहुत सही प्रश्न किया आपने। उसके लिए एक भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चंस होते हैं, भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन का सेट होता है जिसको आप पूछ करके उनसे उनके जवाबों से आप जान सकते हैं। जैसे अगर आप मेडिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक पेन मैनेजमेंट आता है, पेन असेसमेंट। तो पेन असेसमेंट के लिए ये नहीं है कि आप आकर के मुझे कोई कस्टमर बताएगा, पेशेंट बताएगा कि मुझे इतना पेन है, वो नहीं होता। उसको असेस करने के लिए मैं उसके हाव भाव देखूंगा, उसके रिस्पॉन्सेस देखूंगा, तो उसमें एक स्केल होता है जिसमें मैं एक काउंट कर लूंगा कि इसका पेन इतने लेवल तक है। तो उसी तरह से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी और इसमें भी, हर एक चीज में आपको जो चीज भापनी है किसी से, मतलब उसमें से निकालनी है, तो उसे सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर से मुझे ये पता लगेगा कि आप कितने एम्पैथेटिक हैं कितने नहीं हैं। थैंक यू सर। हाँ जी एक मिनट, मुस्कान है। यस मैम, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर, आई एम मुस्कान एंड आई एम सर, मैंने इसी साल ज्वाइन किया है ADMLT का कोर्स। और सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम अपने सच्चे जुनून की खोज कैसे कर सकते हैं? आपने स्टार्टिंग में बोला था पैशन के बारे में, तो सर पैशन सर हम लोग अभी स्टार्टिंग है हमारा, तो बहुत कुछ है माइंड में कि हमें ये भी करना है ये भी करना है, तो सर एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलता कि हमको क्या करना है, तो सर आप प्लीज हमको इस चीज के लिए गाइड कीजिए कि हमें क्या करें। देखिए आपको अगर अपना पैशन जानना है yes, तो एक पेपर उठाइए, पेन उठाइए, जो पहले 5 लफ्ज आपके दिमाग में आते हैं लिख लीजिए। ओके सर, वही आपका पैशन है, क्योंकि जिस चीज के बारे में आप सोचेंगे डेफिनेटली वही कलम पे उतरेगी। पहली 5 चीजें जिनके बारे में आप सोचेंगे तो वो आपका पैशन है। तो सर हम ये पैशन को कैसे आगे कर सकते हैं अपनी लाइफ में? तो परसों आप देखिए, अगर आपको लगता है सपोजिटली आजकल आज की दुनिया में हर फील्ड, कोई भी छोटी या बड़ी फील्ड, अगर पहले हमारे जमाने में अगर हमारे हमें म्यूजिक का शौक होता था तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कह देते थे कि मतलब ये काम हमारे शान के खिलाफ है, हमें ये नहीं करना। लेकिन आज की डेट में वही बड़ी इज्जत और शोहरत का काम है ना। तो पैशन एक छोटी सी चीज में भी आपको बड़ी कामयाबी दिला सकता है। म्यूजिक है, क्रिकेट है, स्पोर्ट्स कर लीजिए, या अब आप आज की डेट में आप देखिए यूट्यूबर भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी आय का साधन बन गया है। लोग यूट्यूबर बन के भी कमा रहे हैं, ब्लॉग लिखने के बाद भी लोग पैसा कमा रहे हैं। तो पैशन कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल पैशन, आप कुछ भी किसी भी चीज को परस्यू करके, खाना बनाने से लेकर के, अगर आप KFC का एग्जाम्पल लें तो उनके जो बुजुर्ग एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने सारी उम्र अपनी फेलियर में बिताई थी, लेकिन जब 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होने के बाद भी वो फेलियर ही रहे, तो अब उनको किसी ने बताया कि आप चिकन बहुत अच्छा बनाते हैं, और उन्होंने उसका एक एक्सपेरिमेंट करके आज आप KFC के नाम से खुद वापसता है कि वो कितने कामयाब है। तो पैशन कभी कभी आपको खुद को नहीं पता लगता, हो सकता है आपको कोई आपका मित्र या आपके पिताजी या आपके माताजी या आपका कोई सच्चा साथी है, वो आपको समझा सकता है कि यार तुम जब ज्यादातर इसी चीज की बातें करते हो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा पैशन उस तरफ है। तो ये बहुत ही आसान है, आप खुद से अपने ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। पहले 5 जो भी आपके दिमाग में वर्ड्स आते हैं उनको लिख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका दिमाग क्या सोचता है। हमेशा जब आपको कहा जाएगा तो आप वही चीजें लिखेंगे जो आपके दिमाग में सबसे पहले, जो आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। गुलका शाह आपने हाथ उठाया हुआ है। यस मैम,
गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर एंड गुड आफ्टरनून मैम. मैम मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि मतलब कई बार जब हम अपना कोई गोल फिक्स करते हैं तो हम उसमें हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मतलब जो लोग होते हैं वो हमें डाइवर्ट करते हैं कि अरे ये नहीं तुम ये ज्यादा बेस्ट करते हो, ये ज्यादा बेस्ट करते हो. तो मेरा क्वेश्चन सर से है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा फिक्स गोल ये है या हमें इस चीज पर ही मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हम काफी सारी चीजें करते हैं. थैंक यू. अगर आपने अपना गोल निर्धारित कर लिया है फिर उसको पाने के लिए आपको बहरा होना बहुत जरूरी है. आपने कहानी सुनी होगी एक मेंढक की, बहुत सारे मेंढक चिल्ला रहे होते हैं और एक मेंढक जो है वो खंभे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है. तो सब लोग उसे कह रहे होते हैं कि भाई मत चढ़, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो रहने दे. सब यही चिल्ला रहे होते हैं चारों तरफ से, लेकिन आखिरकार वो बेचारा 10 बार 100 बार 50 बार गिरता है और वो चढ़ जाता है. तो बाद में जब वो चढ़ जाता है तो पता लगता है कि वो बहरा था, इसीलिए वो दूसरे लोगों की बातें नहीं सुन पाया तो वो चढ़ गया. अगर वो डेफिनेटली सुन पाता होता तो लोगों की बातें सुनता कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो 10 अटेम्प्ट करने के बाद पीछे हट जाता, क्योंकि वो बहरा था तो वो चढ़ गया. तो इसीलिए आपको अपने पैशन को हासिल करने के लिए लोगों की बातों पर ना सुन करके अपने पैशन को फॉलो करना है, अपने दिल को सुनना है, तो आप डेफिनेटली कामयाब. थैंक यू सर. सुप्रिया आपका क्या क्वेश्चन है? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे इंटर्नशिप के दौरान हमें नेटवर्क क्रिएट करना है खुद का और पहचान बढ़ानी है, तो वो कैसे करें? ये तो मैडम देखिए, एक इंडिविजुअल की इंटरपर्सनल स्किल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हुनर आपके अंदर होना बहुत जरूरी है. इंटरपर्सनल स्किल मतलब ये आपके आप कैसे बढ़ा सकते हो, ये इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप दूसरे लोगों की हेल्प कीजिए निस्वार्थ भावना से. अगर आपको लगता है कोई आप जहाँ काम कर रहे हैं साथ में कोई है उसको मदद की जरूरत है, तो ये मत सोचिए कि ये मेरा काम नहीं है. आगे बढ़कर के अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं, हो सकता है कोई छोटी सी एक्सेल की फाइल में डेटा एंटर करना है, वो बंदा उससे जूझ रहा है क्योंकि उसके पास दूसरा भी काम है, और आपने वो छोटी सी हेल्प उसकी कर दी, तो वो आपका उम्र भर के लिए दोस्त बन जाएगा. तो इस तरह से आपका नेटवर्क डेफिनेटली अच्छा होगा. ये आपकी हेल्पिंग भावना अगर अच्छी है आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप इंटरपर्सनल स्किल्स में काम करोगे. सर हमारे कुछ बच्चे यूट्यूब से, जैसे मैंने बताया था शुरू में, यूट्यूब लाइव पे भी हैं, उनके भी हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं टेक्स्ट हमारा जो चैट बॉक्स है उसके थ्रू. तो एक बच्चे ने ये पूछा है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या अपॉर्चुनिटीज है हेल्थ केयर सेक्टर में जब आप एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करते हैं. एंड आपने सर ये भी मेंशन करा था कि कंप्यूटर स्किल्स आर वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तो कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं सर जो आप रेकमेंड करेंगे? जी देखिए, जो बेसिक स्किल्स हैं वो तो आजकल ऑलमोस्ट हर बच्चा जो है अपनी पढ़ाई में जान जाता है. आपके ऑफिस आपको नॉलेज होनी चाहिए. बेसिकली आप अगर वर्ड, एक्सेल, पीपीटी है ना, और इंटरनेट है ना, ये सब चीजें बहुत भारी, इसके अंदर आपको प्रोग्रामर होने की जरूरत नहीं है, आईटी के बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है. अगर आप कोशिश करें थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड भी आपकी बढ़िया हो तो आपको जल्दी कैप्चर करके आप डेटा कैप्चर कर सकते हैं, वो आपको हेल्पफुल रहेगा. इसके अलावा बस ये, अगर आप ऑफिस की जानकारी रखें, पीपीटी से आप प्रेजेंटेशंस की थोड़ी सी आपको नॉलेज हो जाए, एक्सेल में आप थोड़ा सा अपना हाथ रखें, बेसिक रखें, क्योंकि आप जब काम करते रहेंगे तो उसके साथ डेफिनेटली आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी. तो बेसिक होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल जीरो लेवल पे आएंगे, तो डेफिनेटली इतना समय किसी के पास भी नहीं होगा नौकरी में आने के बाद कि आपको एक जीरो के लेवल से स्क्रैच से शुरू कर पाए. तो कुछ अपना जो है थोड़े से स्किल्स को डेवलप करके आए तो उतना आपके लिए बहुत रहेगा. हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का आज ये जो कोर्स शुरू हुआ है ये बहुत ही अहम भूमिका रखता है. हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स, इसमें आप क्वालिटी और आपका जो फ्रंट ऑफिस कस्टमर केयर, या आप इसके बाद आप एचआर में भी डाइवर्ट हो सकते हैं अगर आप इसके साथ अपनी स्किल एनहांस करते हैं. फ्लोर मैनेजर की प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे उत्कर्ष ने भी एक प्रश्न पूछा था, वो भी एक डेजिग्नेशन है जो अवेलेबल है. तो इसका स्कोप बहुत ही अच्छा है और हॉस्पिटल के लिए आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे इस तरह की बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी. हर्ष आपने अपना हाथ उठाया हुआ है, आपका क्या क्वेश्चन है? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम हर्ष यादव है. सर हम अगर हमारा करियर हॉस्पिटल में एज ओटी टेक्नीशियन स्टार्ट कर रहे हैं
तो सर हम हमारा भविष्य कहाँ तक लेकर जा सकते हैं जिससे हम फ्यूचर में एक सक्सेसफुल करियर बना सकें? देखिए, आप जब ओटी टेक्नीशियन का अपना करियर शुरू करते हैं तो इसके अंदर आप अगर अपने एनहांस स्किल एनहांस करते हैं तो ओटी मैनेजर और कई जगह पर उससे ऊपर की भी जो पोजीशंस अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप फोकस होकर के काम करेंगे तो डेफिनेटली आप यू विल ग्रो अप टू दी लेवल ऑफ ओटी मैनेजर एंड देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर आपको उसके ऊपर भी ओटी की वो मिल जाती है डिजाइनेशंस। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी लगन और कितनी पैशन के साथ काम करते हैं। डेफिनेटली आपकी ग्रोथ और बढ़ सकती है और अगर आप चाहें तो अपनी क्वालिफिकेशन को और बढ़ा करके, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जिन्होंने ओटी टेक्नीशियन के तौर पे अपना कार्य कार्य शुरू किया था लेकिन उन्होंने बढ़कर के आगे स्क्रब साइड में भी अपना हाथ आजमाया और सीखा, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे GNM भी कर ली और आज के डेट में वो नर्सिंग साइड में भी आ गए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप आगे किस तरह से, जैसे मैंने बोला था, नॉलेज को अपने बढ़ाते रहेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। साक्षी, आपने हाथ उठाया हुआ है, आपका क्या प्रश्न है? गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। आपकी आवाज नहीं आ रही साक्षी, जोर से बोलिएगा। टाइप कर दीजिए साक्षी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, वीनस, आपका क्या प्रश्न है? यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि आपको हेल्थ सेक्टर से जुड़े 5 साल हो गया जी। आप बहुत से कैंडिडेट हायर करते होंगे पैरामेडिकल के, टेक्निकल नॉलेज को अलग रखते हुए कौन सी ऐसी स्किल है जिसको मतलब आप वो कर लेते हैं मैनेज, कौन सी अभी भी आप उससे उम्मीद रखते हैं कैंडिडेट से कि वो और ज्यादा चाहिए? एम्पैथी, कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क एथिक्स, टीम वर्क, इंटरपर्सनल स्किल, बाकी सब के होने के बाद भी देखिए क्या होना चाहिए, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो? देखिए, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो अगर मैं ये कहूँ मेरे अंदर भी है और अगर किसी और भी, आप किसी भी प्रोफाइल पे चले जाएं, अगर आप जो बेडन को देखें तो वो भी उनके अंदर भी कहीं ना कहीं हर शख्स के अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, भले ही वो उस्ताद भी हो, वो भी सीखता रहता है। तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कभी खत्म नहीं होती, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। अगर आप एग्जांपल लें, जो बड़े बड़े आविष्कारी हैं, वो आविष्कारी रहे हैं लेकिन उनको एक किसी भी जहां उन क्षेत्र में उन्होंने सफलता पाई है, एकदम से उन्होंने आविष्कार किया है तो वो उनको क्योंकि उनका पैशन था उस तरफ, वो लगे रहे तो डेफिनेटली उनको जो है सफलता मिली। तो आप अगर इम्प्रूवमेंट की, आप इसकी हुनर की बात करें तो आपके टेक्निकल स्किल्स, जो मैंने आपको चीजें बताई थी पहले, आपके टेक्निकल स्किल्स जिस काम के लिए आप आ रहे हो, सबसे पहले तो आपकी उसमें माहिरता, जो आपने पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए। कई कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाता है तो वो उनका यही पूछ लो, कुछ नहीं आ रहा तो आप एटलीस्ट यही पूछ लो कि आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, तो वो ये भी नहीं बता पाते कि उन्होंने सब्जेक्ट क्या पढ़े। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट में आपने अपनी एजुकेशन ली है एटलीस्ट उसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके, मैंने आपको बताया था, ग्रूम होने चाहिए आप। तीसरा, आपके जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं और बहुत सारी चीजें मैंने आपको जो बताई थी, आपने शायद नोट भी करी है, बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने मुझे वो बताई, तो एक अच्छी आपके अंदर मुझे आदत दिखी कि आप उसको नोट भी करते हैं, ये आपके डेफिनेटली आपको लाइफ में आगे ले जाएंगी चीजें। प्रियंका, आपने अपना हाथ रेज करा हुआ है। यस मैम, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। सर, आई एम BMIT बैच। सर, मुझे एक क्वेश्चन था कि मैं जब हॉस्पिटल में एज अ रेडियोग्राफर करके काम करूंगी, बट मेरा गोल रेडियोग्राफर नहीं है, मुझे आगे भी कुछ पढ़ना है, तो उस टाइम पे मैं जॉब भी करना है और मुझे पढ़ना भी है, तो वो दोनों में बैलेंस कैसे बनाए रखूं? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। तो अगर आप के अंदर जुनून होगा पढ़ने का, अब अगर हमें ये कहें कि जब हमें भूख लगती है तो हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं से खाना ढूंढ लेते हैं और उसको जरूर खाते हैं क्योंकि हमें पता है इसके बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है। इसी तरह से अगर आप काम करते हुए पढ़ते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो काम भी करते हैं और साथ साथ पढ़ते भी हैं। इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास एक लड़की है जो GDA का काम कर रही है। GDA एक बहुत ही छोटे से लेवल का काम है और वो उसके साथ साथ अपनी फार्मेसी भी कर रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने आकर के मुझे बताया कि ये चीज़ है, तो मैंने उसको इतना हेल्प किया कि हमने उसको
उसकी इंटर्नशिप भी यहाँ पर कराई है। तो अगर आप अपने आप से मतलब आपके अंदर जुनून है, आपको पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली लोग आगे बढ़ करके आपकी हेल्प भी करेंगे। तो ये आपके अंदर जो है ये होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। कई लोग जो आप शिफ्ट में काम करेंगे, तो आप दिन की शिफ्ट रहती है तो आप रात में पढ़ सकते हैं, रात की शिफ्ट है तो रात की शिफ्ट में वर्क प्रेशर थोड़ा सा कम भी रहता है, तो उस टाइम भी आपको कुछ समय मिल जाता है, आप तब भी पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा आप रात में भी पढ़ सकते हैं अगर आप फ्री हैं, या दिन में अगर आपकी रात की शिफ्ट है दिन में पढ़िए। तो पढ़ने वाला या फिर जिसको भूख होती है किसी चीज की, वो उसको हासिल कर ही लेता है, तो ये आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। सब बहुत सारे बच्चे हमें ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर हम लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं, हम उसके बाद अपनी लैब खोलना चाहते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो सर ऑफ कोर्स आई वुड से पॉसिबिलिटी तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप उसके अंदर क्वालिटी और जो आपकी चीजों को मेंटेन रखेंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। आपने बहुत सारी दुकानें और बहुत सारे चीजें देखी होंगी जो खुलती हैं बंद हो जाती हैं, क्योंकि फोकस नहीं होते, सिर्फ दो शाह कर लेते हैं, बड़े शोरूम खोल दिए, लेकिन उसके अंदर जो आपका फोकस है, आपका पैशन है काम के प्रति, आपको पहले समय देना पड़ेगा उसके अंदर। आपको अपनी बाकी चीजों को छोड़ के उसमें अगर आप समय नहीं देंगे, एक बार एस्टेब्लिश हो जाए तो ठीक है, आप थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको बहुत जरूरी है कि आप अपना पूरा जो समय है वहां दे, अनडिवाइडेड अटेंशन वहां दे, तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। अमित आपने हाथ रेज करा हुआ है। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। हाय अमित। हाँ, फर्स्टली सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यू एक्सपीरियंस, एंड सर एज यू टोल्ड दैट अबाउट द रोबोटिक सर्जरी, अगर इन फ्यूचर रोबोटिक सर्जरी होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो इससे क्या रिक्वायरमेंट्स जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हुए और डॉक्टर्स हुए, उनकी रिक्वायरमेंट्स पे हायरिंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे पहले ट्रैफिक पुलिस का काम क्या करती थी, ट्रैफिक पुलिस वाले हुआ करते थे, अब लाइट सिग्नल्स लगा दिए हैं हर चौक पे, चौराहे पे, टी क्रॉस पे, वहाँ पे पहले ट्रैफिक पुलिस होते थे, उनकी रिक्वायरमेंट्स हुआ करती थी, अलग से वैकेंसीज ले करती थी गवर्नमेंट की तरफ से, पर जब से एडवांस टेक्नोलॉजी आई है तो वहाँ पे लाइट्स हो गई, ट्रैफिक लाइट्स हो गई हैं, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है और जॉब्स भी गई हैं, तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया जिसमें से अपने आप जवाब निकल करके आता है आपके प्रश्न का। अगर आप कहते हैं पहले जो ट्रैफिक हवलदार हुआ करते थे आज लाइट्स हैं, तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जब पहले ट्रैफिक हवलदार हुआ करते थे तो ट्रैफिक कितनी हुआ करती थी? ट्रैफिक भी डेफिनेटली कम थी। जी बिल्कुल। अब ट्रैफिक बढ़ गई है तो लाइट्स भी लगी हैं, लेकिन उससे उनका रोल कम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो आज भी ट्रैफिक वाले आपको सड़क के ऊपर दिखते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन लाइट को उसमें नहीं करते, परिपेक्ष में और चीजों में भी करते हैं, सीट बेल्ट नहीं बांधी है, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, या कुछ और कागज पूरे नहीं कर रहे हैं, तो इससे किसी तरह का स्कोप कम नहीं होगा। लेकिन हाँ, डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो रोबोट्स हैं या जो इनको चलाने के लिए भी जो दोनों का समीकरण जरूरी है, एक डॉक्टर नहीं होगा तो एक रोबोट से भी काम, रोबोट डिफाइन करके खुद इतनी चीजें नहीं कर पाएगा, डॉक्टर की जरूरत होगी। ह्यूमन टच जो है वो कभी खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक रोबोट और एक ह्यूमन के अंदर सिर्फ एक ही फर्क है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आप चीजों को, भावनाओं को और जो दिमाग को या चीजों को पढ़ करके, आपके जेस्टर्स को पढ़ करके आप वो सही जानकारी के साथ काम कर सकते हो। रोबोट के अंदर वो चीजें नहीं है, वो सिर्फ डिफाइन चीजों को कर सकता है, तो जो ह्यूमन का वैल्यू है वो कभी खत्म नहीं होगी। हो सकता है आने वाले समय में ये चीजें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज में कमी आए, लेकिन वही फिर अपॉर्चुनिटीज दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी, वही आपकी चीजें बढ़ जाएंगी, तो दूसरी तरह का कुछ चीजें बढ़ जाएंगी, भविष्य में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और तरह के आपके सामने आएंगे। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि अगर हमारे कंप्यूटर्स और इन सब चीजों से नौकरी जरूर गई है, लेकिन क्या आप सोचेंगे कि कंप्यूटर्स और यूट्यूब ने और नेट ने आपको कितने लोगों को नौकरी दी है? यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और ट्विटर पे बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, बहुत सारे लोग उसी से फेम पाते हैं। अगर आप बुराई देखते हैं किसी चीज की, अच्छाई भी देखिए, अगर आपने ये देखा होगा टिकटॉक नाम का एक जो आया था, उसने बहुत सारी जिंदगियां तबाह की हैं, तो कुछ जिंदगियां बनाई भी हैं। बिल्कुल होगा, कुछ लोगों को फिल्म में भी मौके मिल गए, तो हर एक चीज की अच्छाई का पहलू भी देखें तो डेफिनेटली आपको अच्छा दिखेगा। ओके सर, थैंक यू सर।
तो हमारे YouTube से क्वेश्चन आया है. गुड आफ्टरनून सर. एक मिनट प्लीज होल्ड करिएगा सर. YouTube से क्वेश्चन आया हमारा कि OT टेक्नीशियन वर्कर को अपने वर्क में अगर ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? वही जो मैंने पहले किस सिमिलर प्रश्न का मैं जवाब दे चुका हूँ. वो ग्रोथ के लिए आपको हमेशा ही किसी भी लाइन में, भले OT में है, भले किसी भी लाइन में, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड और पैशन की जरूरत है. आपको काम पसंद है तो आप जरूर उसमें पैशन के साथ काम कीजिए, जरूर आगे बढ़ेंगे, मेहनत करिए, लर्निंग करिए, और जो नई चीजें आ रही है उनको सीखने की कोशिश करिए, तो आप ऑटोमेटिक ग्रो करेंगे. बिल्कुल. दीपाली आपका क्या प्रश्न है? यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन है सर से अगेन. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी भी सेक्टर में मेहनत से, दिल से, लगन से पूरा काम करते हैं विद कॉन्फिडेंस, बट हमारा कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसे हो जाती है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, अगर हमें उस चीज, अपनी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिलता है या हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो उस कॉन्फिडेंस को हम अपने कैसे वापस ला सकते हैं? दीपाली, ये सेम प्रश्न शायद थोड़ी देर पहले पूछा है. तो इसके अंदर सिर्फ यही कहूंगा कि अपना हौसला जो है उसको ना डिगने दें. कहीं गिरते हैं तो उठ करके चलने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो कामयाब जरूर होंगे. अगर आपने कहीं वॉर्स में देखा हो, जब पहले लड़ाइयां हुआ करती थी, अगर एक घुड़सवार घोड़े से गिर जाता था तो ये नहीं उसका मतलब वो हार गया. अगर वो दोबारा घोड़े पर बैठने में सक्षम है और लड़ जाता है तो डेफिनेटली कामयाब होगा. लेकिन अगर आप गिर गए और आप उठने के अंदर सक्षम नहीं है उठने के, तो डेफिनेटली आपकी कामयाबी, थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं. तो आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि आप दोबारा उठ करके आगे बढ़ के चल सकें और दोबारा उससे ज्यादा उत्साह लेकर के बढ़े. आपको पता होगा, देखिए, फेलियर जो है वो एक बेस है सक्सेस का. अगर आपने फेलियर का स्वाद नहीं चखा है और खाली सक्सेस चखा है, तो फेलियर आपको बहुत रुलाने वाली है जिंदगी में. अगर आपने शुरू में फेलियर्स देखे हैं तो आप सीख चुके होंगे हर एक एस्पेक्ट को, तो आपको गिराना या आपको फेलियर कराना बहुत मुश्किल होगा. फिर आपके लिए सक्सेस जरूर जो मीठी होती है वो आपके लिए होगी. तो इसीलिए फेलियर्स से डरने की जरूरत नहीं है, वो आपके लेसन है जो आपको आगे आने वाले समय में आगे बढ़ने की तजुर्बे देंगे. ओके सर, थैंक यू सर. गुड इवनिंग सर. एक मिनट सर, एक क्वेश्चन और आया हमारा यूट्यूब से. हाउ इज इट दैट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स बेटर फॉर एन इंटरव्यू? जी देखिए, वो उस चीज का भी मैंने शायद आपको शुरू में जिक्र किया था. अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज, आप अपने रिज्यूम को एक बार जांच लीजिए. रिज्यूम आपने कैसा बनाया है, क्योंकि वो आपका एक तरह से दर्पण है जिसमें आपका आईना दिखे, आपका चेहरा दिखेगा जो इंटरव्यूअर है. पहले वो आपके रिज्यूम की तरफ एक आंख मारे, नजर मारेगा. उस नजर में वो देख लेगा कि आपने क्या क्या किया है और आप क्या क्या कहना चाह रहे हो. फिर उसी रिज्यूम को पढ़ करके वो आपसे प्रश्न पूछेगा, है ना. तो पहली चीज, आपका रिज्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें स्पेलिंग एरर चेक कर लीजिए, जो आप कहना चाह रहे हैं अपने बारे में उसको स्पष्ट कर लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. कई बार लोग क्या करते हैं, रिज्यूम कॉपी कर लेते हैं एक से दूसरे का, और जब उनसे पूछा जाता है इसका क्या मतलब है, तो ये कहते हैं सर वो सॉरी हमने कॉपी किया था. तो उससे आपका ये झलकता है कि आपके अंदर अपना कुछ इनोवेटिव करने का आइडिया नहीं है. आपके अंदर रिज्यूम कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ही का एक अपना एक चित्र है जिसको आप उसको चित्रित कर रहे हैं. तो अपनी चीजों के बारे में अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर आप सोचिए कि आप आगे कैसे सक्सेस करेंगे. तो सबसे पहले आपका रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इफेक्टिव होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, आपके उसके अंदर झलक आनी चाहिए. दूसरा, आपकी ग्रूमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जो कॉर्पोरेट है या फिर अच्छी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ आपका ये एस्पेक्ट जरूर देखा जाएगा कि आप कैसे ग्रूम हैं, आप कैसे दिख रहे हैं. वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उस ब्रांड के एम्बेसडर बनेंगे अगर आप उस ब्रांड को ज्वाइन करेंगे. तो ब्रांड का जो एम्बेसडर है, जब भी अगर आप, मैं कई लोगों को समझाता हूँ कि जो बाहर हमने बोर्ड लिखा है कोलंबिया एशिया, वो कोलंबिया एशिया अपने आप में एक ब्रांड नहीं है. ब्रांड आप लोग हो जो आप अपने यहाँ पर चेस्ट पर एक लगा करके नाम घूम रहे हो, कोलंबिया एशिया के नीचे राजिंदर. तो अगर राजिंदर अच्छा काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो ब्रांड अच्छा होगा. वहाँ के लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ब्रांड विल ग्रो. अगर आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो ब्रांड जितना बड़ी मर्जी बड़ा हो, आप उसको सक्सेस नहीं करा पाएंगे. तो ये बहुत जरूरी है. तो पैशन होना आपके अंदर बहुत जरूरी है काम के लिए. ग्रूमिंग, इसके अलावा आप जो मैंने आपको क्वालिटीज और बताई थी कि एम्पैथी, अगर आप हॉस्पिटल लाइन में आ रहे हो तो ये आपके अंदर बहुत जरूरी है. ये जरूर देखा जाएगा हॉस्पिटल लाइन के अंदर. मैं तो जरूर देखता हूँ, बाकी मैं दूसरों के, सबके अपना अपना नजरिया होता है इंटरव्यू लेने का.
टेक्निकल स्किल्स जो आप जिस फील्ड से हैं उसकी नॉलेज आपको होनी जरूरी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. और बहुत सारे पहलू हैं जो आप जब इंटरव्यू फेस करेंगे तो आपको धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस आपको चीजें पता लगेंगी. गौरव आपने हाथ रेज करा हुआ है, आपका क्या प्रश्न है? मैम क्या नाम है? गुड इवनिंग सर, माय क्वेश्चन इज कैन वन लीड अ सक्सेसफुल करियर बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर? यस ऑब्वियसली, टू इफ यू गो टू एनी फील्ड यू विल बी सक्सेसफुल इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड यू हैव पैशन फॉर व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग. नो सर, द गुड आफ्टरनून. सॉरी गौरव, बोलिए गौरव. नहीं सर, मींस जो लाइफ जो हम जिसके लिए मींस सपने देखते हैं, therefore means luxurious lifestyle and means वो dreams पूरे हो सकते हैं क्या? means एक administrator रहकर hospital के. देखिए गौरव, सपने आप अगर देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो सपने देखता है वही सपने पूरे कर सकता है, जो सपने देखता ही नहीं है वो पूरे क्या करेगा. तो ये बहुत अच्छी, आपने आपके अंदर ये कला है, भगवान ने आपको ये नियमत दी है, तो इसको जरूर जिंदा रखेगा. और डेफिनेटली अगर आप अपने पैशन को परस्यू करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उस काम को आप करते हैं, भले ही वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, भले ही वो कोई और भी जॉब हो, तो आप डेफिनेटली उसमें ग्रो करेंगे, तो आप अपनी लग्जरियस लाइफ तक जरूर पहुंचेंगे. और एक लग्जरियस लाइफ को कभी आधार मत मानिएगा अपनी जिंदगी का, इसके अंदर आप खुशी को आधार मानिएगा. जहां भी आप खुश हैं वो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छी लाइफ है. लग्जरियस लाइफ को एक अगर आप खुशी का आधार मानेंगे तो डेफिनेटली वो निराशा हो सकती है. अगर आप बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देख लीजिए, आज सुशांत सिंह राजपूत को उठाइए, तो वो बहुत सक्सेसफुल भी हुए थे, लेकिन खुशी बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर, अपार्ट फ्रॉम अगर आप लग्जोरियस लाइफ देखते हैं. जहां आप खुश हैं वो आपके लिए लग्जोरियस है, जहां आप खुश नहीं है तो लग्जरी में भी आपको मजा नहीं आएगा. आई थिंक सर गौरव ये जानना चाहते हैं कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर अगर एक बार आप कोर्स करके ज्वाइन करते हैं एक अच्छे हॉस्पिटल में, तो उसके बाद उसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या होगी? पोटेंशियल डेफिनेटली मैंने वही बताया इनको, ग्रोथ पोटेंशियल एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब को भी छोड़ दे, कोई भी जॉब पकड़े, तो वहाँ आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन उसके अंदर आपके अंदर लगन होनी चाहिए. और अगर लगन नहीं है तो फिर यू नेवर बी एनीवेयर. आप अगर लगन है तो आप किसी भी चीज से लेकर के उठ के आप कुछ भी बन सकते हो. जरूरी नहीं वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब ही हो, कोई भी हो, आप डेफिनेटली कामयाब होंगे. उसके अंदर आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तो आप जरूर कामयाब होंगे और आपको वो जो आपने सपने देखे हैं वो आपके जरूर पूरे होंगे. वैष्णवी आपने हाथ उठाया हुआ है. गुलकशा यस मैम, सवाल पूछिए. मैम मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी चीज बोलते हैं या कुछ भी चीज करते हैं तो वो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब भी हमें किसी मतलब कहीं हम इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं या कोई लेक्चर वगैरह देना होता है तो होपलेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा और चीजें भूल जाते हैं. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इंटरव्यू वगैरह में हम होपलेस वगैरह ना हो और अच्छे से अपना दे पाए चीजों को? कशा, थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन. इसका जवाब आप ही के अंदर हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी चीज के प्रति निष्ठावान हो, आपको लगता है कि मुझे ये करना है, तो उसकी आप तैयारी करोगे तो आप डेफिनेटली फेल नहीं होगे. लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मुझे कामयाब होना है, मैं इंटरव्यू में जाऊं और सक्सेस भी हो जाऊं, और आप उसकी तैयारी ना करके जाओ, तो डेफिनेटली वो आपको निराशा लग सकती है. तो अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं तो उसका बुनियाद, उसकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी तैयारी उस हिसाब से कर लीजिए, फिर जाइए, तो डेफिनेटली आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी. और अगर आप इसमें एक चीज और जोड़ लें, कभी अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान भटकता है तो मेडिटेशन जरूर करें, वो आपको कॉन्सेंट्रेट करेगा. आपने हाथ उठाया हुआ है, आपका क्या सवाल है? एक मिनट वेट करिएगा यशवंत. मैम इट्स हर्षद और हर्षा. नो अफशा, ठीक है आप पूछिए हर्षद. यस मैम, सर व्हाट विल बी द बिगेस्ट चैलेंज टू कम अप इन फ्यूचर इन हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज? सी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, द चैलेंजेस एज ऑफ नाउ आर द टेक्नोलॉजी वर्सेस द what you call requirements. तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें there would be a huge tremendous changes will be evident.
So how they will work out, this is a challenge, how the robots will work as now humans are working. So it would be in the future that we will see how it will shape up. So we cannot comment upon that right now. But yes, technical skills, technical people will be definitely required. So as of now, it is a shortage of technical staff, paramedics, doctors, nursing. So this is, as of now, is a challenge, which definitely will be overcome as by the government initiatives and by the big companies, CSR activities, and as the institute like Virohan are also delivering good. So definitely we will be overcome by this challenge also. Sir, एक क्वेश्चन बच्चे का आया है यूट्यूब से कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल लेवल्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर में और हाउ इम्पोर्टेंट इज इंग्लिश कम्युनिकेशन. डेफिनेटली देखिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन भी आज की तारीख में जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज इट इज नॉट लाइक इफ कंपनीज आर फोर्सिंग यू टू, बट नाउअडेज the clients which come to you will force you to have such candidates who can communicate with them in English. So that is important. You should have at least a basic conversation skills so that you can express yourself and you can answer the queries of a client. Not in very effective, very high-fi English is required, but yes, on the basic level, you should be able to communicate with the guest at least. देवश्री, आपने अपना हाथ रेस करा है. Yes, good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, देवश्री. सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और 10 स्टूडेंट्स अगर उसमें गए हैं और हर एक स्टूडेंट्स के मतलब सब कुछ इक्वल है, जैसे कम्युनिकेशन इक्वल है और उनका मतलब हर चीज मतलब बिल्कुल इक्वल और हर बच्चे में एक चीज, लेकिन सर मैं कैसे अलग दिखूं सबसे? बहुत अच्छा प्रश्न है. आपको अगर अलग दिखना है तो पहले तो कोई भी चीज, आप अगर कोई भी, आप अगर रोबोट्स की बात करें तो हो सकता है वो कॉमन हो, लेकिन ह्यूमंस भगवान ने इस तरह से बनाए हैं कि किसी के अंदर कुछ गुण होंगे तो किसी के अंदर कुछ गुण कम या किसी में कुछ ज्यादा होंगे. फिर भी आप अगर कहते हो कि आप सब समान हो तो डेफिनेटली आपका जो एटीट्यूड और जो आपकी स्माइल है अगर आपके चेहरे पे है तो डेफिनेटली इट विल ऐड ऑन. एंड योर एटीट्यूड और जो आप बात करोगे उसको अगर आप अच्छे से दूसरों के मुकाबले अगर अच्छे से प्रेजेंट करोगे, पोर्ट्रे करोगे, ग्रूमिंग्स आपके अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आप अलग दिख जाओगे. अगर ग्रूमिंग भी आपकी अच्छी है और आप बढ़िया से दिख रहे हो, प्रेजेंट अपने आप को अच्छा कर रहे हो और जब आप बात कर रहे हो तो उसको अच्छे से समझा पा रहे हो तो डेफिनेटली टेक्निकल स्किल्स के ऊपर आप एडवांटेज ले जाओगे. थैंक यू सर. अरुण, आपने हाथ उठाया हुआ है. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी, बोलिए बोलिए अरुण. यस मैम. हाँ जी, वी कैन हियर यू. यस मैम. मैम, आई एम फ्रॉम नागपुर. सो माय क्वेश्चन इज फॉर सर. अरुण. यस अरुण, यस प्लीज. यस सर. सर, हम जब इंटर्नशिप के लिए जाएंगे हॉस्पिटल में तो सर वहाँ पे हम एज अ प्रेफ्रेशर जाएंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वहाँ पे मतलब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए. तो सर, एज अ हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, इट्स इम्पोर्टेंट कि हम सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा या डी डिग्री करके जा रहे हैं वहाँ पे. जी बिल्कुल. अरुण, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप हमारे विरोहन में पहले टेक्निकल स्किल्स हासिल करते हैं और फिर उसके बाद हम ऑन जॉब ट्रेनिंग लेते हैं, फिर हम एलिजिबल होते हैं डिप्लोमा के लिए, राइट? तो आपका क्या सवाल है एग्जैक्टली अरुण? मैम, माय क्वेश्चन इज, अगर हम सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं किसी भी एमएलटी में या फिर बीबीओटीटी में या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर डिग्री कर रहे हैं, हाँ जी, तो मैम अगर हम हॉस्पिटल में एज अ जाते हैं वर्क इन इंटर्नशिप के, तो वहाँ पे हम एज अ फ्रेशर जाते हैं, एज प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैम, अगर हॉस्पिटल में अगर हम इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हो या फिर इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, तो अगर हॉस्पिटल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैम ये इम्पोर्टेंट है कि हम सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, सर्टिफिकेट इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं या फिर डिग्री के लिए आ रहे हैं या डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं?
आई थिंक सर ये पूछना चाहते हैं कि जब हम इंटर्नशिप पे बच्चों को आपके पास भेजते हैं तो उनके पास पहले से डिप्लोमा होना चाहिए कि नहीं, इस चीज के बारे में वो कंफर्म कर रहे हैं आपसे सर। जी बिल्कुल, आपके पास अगर डिप्लोमा होगा तभी आप कुछ मुझे ला करके ये बता पाएंगे कि आप इस डिपार्टमेंट के लिए आए हैं, मैंने ये डिप्लोमा किया है इस विभाग में किया है तो मुझे इस विभाग में आपकी इंटर्नशिप करनी है, वरना मैं मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा जज करना कि आपको मैं किस तरफ भेजूं। तभी अरुण जब आप किसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए भेजे जाते हैं आपको एक इंटर्नशिप लेटर विरोहन इशू करते हैं जिसमें आपके सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं कि आपने एग्जाम सारे क्लियर करे हैं और आप कौन सी डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करने वाले हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन विरोहन इंस्टीट्यूट देती है हॉस्पिटल को और तभी हॉस्पिटल आपको अलाउ करते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग शुरू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वैलेंटीना। हाँ जी अरुण, लेट्स वी हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट नाउ, वी हैव ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट, सो प्लीज लेट्स गिव एन अपॉर्चुनिटी और लोगों को भी पूछने के लिए। वैलेंटीना आपका क्या क्वेश्चन है? Yes, ma'am. Good afternoon, sir. Hi, good afternoon, Valentina. Sir, मेरा question interview basis पे है. Sir, अगर हम किसी interview देने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ का जो interviewer है, जो हमारा interview लेने वाला है, तो वो sir किस type के questions expect answers expect करेगा एक candidate से, और ऐसी कौन सी skills होनी चाहिए candidate में जो like एक interviewer expect करता है? Valentina, अगर आपने हमने जो शुरू किया था, तो शुरू किया था. आप अगर उसको दोबारा से एक बार उसको अध्ययन करेंगे तो आपको जरूर पता लगेगा, फिर मैं आपके लिए एक बार दोहराना चाहूंगा। एक्चुअली सर हम रिकॉर्डिंग दिखाएंगे बच्चों को सेशन की, सो वी कैन शो दैट टू देम एंड वी कैन, इफ देयर आर एनी अदर डिफरेंट क्वेश्चंस यू नो स्टूडेंट्स आई वुड रिक्वेस्ट यू टू आस्क दोस बिकॉज़ वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम लेफ्ट फॉर द सेशन टू एंड, तो कोई ऐसे सवाल। आई हैव क्वेश्चन मैम, कैन आई? ओके ओके, वन बाय वन, वन बाय वन, पीपल हु हैव ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चंस प्लीज गिव अदर पीपल एन अपॉर्चुनिटी एज वेल। तो गनिया क्वेश्चन नहीं पूछा है, गनिया आप पूछिए। यस मैम, गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछना था कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हम पूरी प्रिपरेशन से जाते हैं, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो हम आंसर नहीं कर पाते, तो उसको कैसे डील करना है सर एट दैट मोमेंट? मैडम देखिए, मैं जितने भी बच्चे सुन रहे हैं उन सभी को ये बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहाँ पर आपको कोई अलग किसी जानवर से पाला पड़ेगा, वहाँ भी कोई इंसान ही बैठा होगा और आपकी काबिलियत को कुछ प्रश्न पूछ करके जज करेगा। तो अब सबसे पहले आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर रखिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो डेफिनेटली, और उसके अंदर आपके कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको नॉलेज होगी, जो आपका फील्ड है उसकी नॉलेज होगी, तो आपके अंदर डेफिनेटली कॉन्फिडेंट होगा। और कॉन्फिडेंस आपका तब भी होगा जब आप अच्छे से ग्रूम होकर के आएंगे, कॉन्फिडेंट आप तब भी होंगे जब आप के पास एक सही सेट ऑफ, आप एक सही दिशा चुन के आए हैं कि मुझे इसमें जो है बढ़ना है आगे इसी दिशा में, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो प्लीज अपनी जो भी आप जा रहे हैं तो अपने रिज्यूम को, अपनी ग्रूमिंग को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल, नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, इनको प्लीज उनके ऊपर वर्कआउट करके आइए तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर मैंने जैसे पहले भी बोला था, कई बच्चों को ये भी अगर हम कुछ नहीं आ रहा था तो हम यही पूछ लेते हैं कि बेटा आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, तो वो तक नहीं बना पाते, तो डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट इस तरफ नहीं है। हमें फिर ये पता लगता है उनसे कि भैया ये उनके माता जी ने या पिताजी ने उनको सजेस्ट किया था, लेकिन उनका इंटरेस्ट कुछ और है। तो ये चीज आपको फिर प्लीज जरूर देखिएगा कि काम करिए इंटरव्यू पे जाने से पहले, तैयारी करिए, उसके बाद जाइए, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। सर, आई वांट टू आस्क क्वेश्चन सर। वैष्णवी, आई एम सॉरी, वी आर आउट ऑफ टाइम नाउ, मे बी यू कैन, ऑल ऑफ यू कैन शेयर योर क्वेश्चन आई सीज एंड वी कैन हैव देम एड्रेस्ड बाय सर। सर एक I want to ask ma'am. Vaishnavi, please just please wait. ठीक है, पूछिए वैष्णवी। How to maintain professional behavior while working on hospital? जी ये तो आप अब आपने जो आपका प्रश्न है ये आप खुद सोचिए कि professional behavior आपको कोई definitely दिखाने नहीं आएगा। मैंने बहुत पहले भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, professional behavior में आप अपने आप को सीमित रख सकते हैं कि भैया मेरा जितना काम है मैं उससे उतना ही बिहेव उससे बातचीत करूं, या फिर अगर आपका स्वभाव
ऐसा है कि आप सबसे बात करते हैं और सबकी हेल्प करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको आगे आने वाले समय में आपके इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब इंटरपर्सनल रिलेशंस को डेवलप करेगा, जो आपको डेफिनेटली काम आएंगे। हाँ, एक जरूर एक सीमा होती है एक अपने पर्सनल दोस्तों में और प्रोफेशनल दोस्तों में, एक सीमा रेखा हमें खुद तय करनी होती है कि हम किस हद तक उनके साथ रिलेशन मेंटेन करें ताकि वो हमारे लिए सुखद रहे आगे चलकर। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, ये बच्चों ने पूछा है, हु आर द पीपल आई नीड टू अलाइन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव सक्सेस, व्हिच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस ऑब्वियसली you will definitely see some people in any organization, those who are already having a success and those who have an attitude to mentor you, to guide you. So definitely they will, जो बोला जाता है ना, जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत आएगी। तो अगर आप अच्छे सक्सेसफुल लोगों की संगत में रहेंगे, उनको आप फॉलो करेंगे, मेंटर्स करेंगे, उनसे टाइम टू टाइम चीजों को पूछेंगे, तो डेफिनेटली आपको भी आगे उसमें कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, जैसे आप बनेंगे। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। बच्चों आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे और मेरा विश्वास है कि आज के सेशन में आपको महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई है। सर मैं आपको समस्त विरोहन की तरफ से धन्यवाद करती हूँ और हमारे इस दिशा साथी सेशन के लिए अपना जो आपने कीमती वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हम ये आशा करते हैं सर कि आप आगे भी हमारे छात्रों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। सो थैंक यू अगेन सो मच सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू स्टे कनेक्टेड ऑन दिस जर्नी टुगेदर। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच।